Hello friends, how are you? I hope you are really doing well. First of all, I am introducing myself. I am engineer. I have done Biotic from Building Institute of Technology, Mishraji in Production Engineering. Also, I have done MTech from LNCT Bhopal in Thermal Engineering. I am also GATE qualified in both MA and PI GATE paper. I have 5 year teaching experience of different subjects on different platforms. My hobbies are teaching, reading books, helping people, social work, etc. Dear friends, I am starting a new course on energy and environment that is at one topic of ESC general study. ESC ने अपना सिलेबस चेंज किया और उन्होंने 10 नए जनरल स्टडी टॉपिक डाल दिए जो कि सारे ब्रांचों के लिए इक्वल हैं, पर लोगों को उसका मटेरियल नहीं मिल रहा है कि वो कहाँ से पढ़े, कोई बुक्स नहीं मिल रहा है और ये भी नहीं पता चल रहा है कि कितना किस लेवल तक वो क्वेश्चन पूछेंगे। वैसे 2 एग्जाम हो चुका है नए पैटर्न पे, थोड़ा बहुत आइडिया लगा है, तो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या पढ़ना है। हम लोग सारी चीज़ मैं इस कोर्स में आपको बताऊँगा, खासकर एनर्जी एंड एनवायरनमेंट के बारे में। इससे पहले आप लोग मेरे और भी कोर्सेज देख चुके होंगे, जैसे कि पिछला ही कोर्स मैंने ऐड किया है वो है स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी प्रैक्टिसेज इन मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस एंड सर्विसेज, जो कि ESC जनरल स्टडी का एक सब्जेक्ट है। तो आप लोगों को यदि मटेरियल्स नहीं मिल रहा है तो एक बार आप जाके देख सकते हैं उसको, यदि आपके पास है तो ये देखिए। एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लेकर आया हूँ मैं इस लेसन में, इस कोर्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, तो सबसे पहले इसमें हम लोगों को जानना इकोलॉजी के बारे में, क्योंकि यूपीएससी ने काफ़ी इन्वायरमेंट और एनर्जी उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। यूपीएससी बहुत सारे एग्जाम्स लेता है, चाहे वो सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, चाहे वो सीडीएस का एग्जाम हो, या बहुत सारे एग्जाम और भी लेता है वो, तो उसके लिए इन्वायरमेंट और एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहा है। वो जनरल में जरूर डालता है क्वेश्चन, तो उससे बहुत ज़्यादा आइडिया लग जाता है कि वो किस चीज़ पे फोकस करता है, वो क्या पूछता है। छोटे छोटे एग्जाम या बड़े से बड़े एग्जाम जो भी वो लेता है, चाहे IFS का एग्जाम हो, सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, IAS का या सिविल सर्विसेज का एग्जाम जो वो लेता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी एग्जाम लेता है, इसके अलावा वो CDS वगैरह का एग्जाम लेता है, तो बहुत सारे एग्जाम्स वो क्वेश्चन पूछता रहता है। तो इससे हम लोग को आइडिया लग जाता है कि उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो किस टॉपिक को ज़्यादा फोकस करता है। तो काफ़ी बुक्स हैं सिविल सर्विसेज के और बहुत सारे क्वेश्चंस वो सिविल सर्विसेज में पहले ही पूछ चुका है, तो उससे हमें आइडिया लगता है, जिस पे मैं ये कोर्स आपके सामने लेकर आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी है रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग एंड सराउंडिंग। तो जो भी लिविंग थिंग है, जैसे कि आप हैं और आपके आसपास की सराउंडिंग, उसके बीच का रिलेशन जो है वही आपका इकोलॉजी कहलाता है। इट इज स्टडी द रिलेशनशिप बेस्ड ऑन बायोटिक फैक्टर एंड अबायोटिक फैक्टर। तो आपको ऑब्जेक्टिव में तो कैसे इतना ही जानना बहुत है। इकोलॉजी मैंने दिखाया भी है कि भाई आपको जब रिविजन कर रहे हो तब आपको इतना पढ़ना ना पड़े, आप डायरेक्ट फोटो देख के समझ जाए कि इकोलॉजी अच्छा लिविंग और सराउंडिंग के बीच का रिलेशन है इकोलॉजी कराता है। यानी कि इसी लिविंग थिंग को बायोटिक कहते हैं, और अबायोटिक की बात करें तो सराउंडिंग को अबायोटिक कहते हैं, उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसको वो अबायोटिक कहते हैं, इसके बीच के रिलेशन को हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही शॉर्ट में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है। पूरा इन्वायरमेंट बहुत बड़ा चैप्टर है, आप देखो यूपीएससी का सिलेबस तो बहुत बड़ा है। ऐसे तो आपको ESC में जनरल स्टडी में उसने कुछ लिखा ही नहीं है, सीधे बेसिक एनर्जी एनवायरनमेंट लिख दिया है उसने, उसके बारे में कोई भी डिटेल नहीं है कि क्या सिलेबस में पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है इसमें, उसके अंदर वो चीज़ें नहीं बताया वो। पर वो UPSC का और भी जो पेपर है, चाहे वो सिविल सर्विसेज के हैं, उससे पता चलता है कि उनके सिलेबस क्या है। सिविल सर्विसेज का सिलेबस तो बहुत ही ब्रॉड है, तो कम से कम हम लोगों को जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो तो पढ़ ही लें, और बहुत ही शॉर्ट में अधिक से अधिक चीज़ें कवर करने की कोशिश करते हैं। बाकी इसमें कुछ भी पूछेगा तो बता ही देंगे हम लोग। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स, इसके बाद हम देखते हैं। इकोलॉजिकल फैक्टर्स में 2 आते हैं, एक बायोटिक फैक्टर आता है, एक अबायोटिक फैक्टर आता है। ये क्या होता है? ये लिविंग जो होता है बायोटिक फैक्टर कहलाता है, और अबायोटिक फैक्टर में हम लोग लिखते हैं स्वैट्स, SWATS, इससे हम लोग याद कर सकते हैं अबायोटिक फैक्टर कौन कौन से हैं। जैसे S फॉर सॉइल, W फॉर वाटर, A फॉर एयर, T फॉर टेम्परेचर एंड S फॉर सनलाइट। इस प्रकार से देखिए, ट्रिक वगैरह मैं बताता हूँ चलता हूँ, ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो कि अबायोटिक फैक्टर में मेन है। अगर आपको लिखना पड़ जाए कहीं सेमेस्टर एग्जाम में भी आपको आता है,
अगर आप सेमेस्टर एग्जाम है तो वहाँ पे भी आपको एनर्जी एनवायरमेंट पॉल्यूशन वगैरह का चैप्टर एक जरूर पढ़ना होगा कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज या कहीं भी कोई भी ग्रेजुएशन में एनवायरमेंट से रिलेटेड एक पेपर जरूर रहता है, एक कंपल्सरी कर दिया गया है ताकि आप एनवायरमेंट के बारे में जानें अधिक से अधिक। जहाँ भी कोई भी आप ऐसा चीज़ पढ़ रहे हैं जिससे एनवायरमेंट को असर होने वाला है तो एनवायरमेंट का सिलेबस जरूर आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए आते हैं बायोटिक में। बायोटिक को भी कैटेगराइज किया गया है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर में। तो प्रोड्यूसर जैसे तो जनरली आपने बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं टेंथ तक से ही, तो हम लोग बस उसको रिवाइज कर लेंगे क्योंकि प्रोड्यूसर कंज्यूमर क्या होता है डिकम्पोजर। लेकिन कभी क्या होता है कि अगर आप रिवाइज करके नहीं जाएंगे तो आप कंफ्यूज होते रहेंगे, प्रोड्यूसर क्या था कंज्यूमर क्या था, तो कंफ्यूज होते रहेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा उसको रिवाइज कर जाते हैं। जैसे प्रोड्यूसर में आता है बैक्टीरिया, स्कैनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी एंड प्लांट्स, ये सब सभी आपके प्रोड्यूसर आते हैं। कंज्यूमर की बात करें जो खाता है जैसे एनिमल्स, एमोइबा ईटीसी। डिकम्पोजर की बात करें बैक्टीरिया फंगी जो डिकम्पोज करता है वो आपके डिकम्पोजर कहलाते हैं। तो चलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं तो जब इस लोग जानते होंगे कि बैक्टीरिया क्या है फंगीज क्या है। बस आप लोग को वहाँ टिक करना है कि डिकम्पोजर कौन है इसमें से। तो ऐसा नहीं कि आप लोग यहाँ चले जाएँ, आप प्रोड्यूसर में ना चले जाएँ, यहाँ पे आए। बैक्टीरिया आप देख रहे हैं बैक्टीरिया दोनों जगह है, प्रोड्यूसर भी है, बहुत सारे प्रोड्यूसर में आता है बैक्टीरिया, डिकम्पोज करने भी आता है। जैसे प्रोड्यूसर में अगर दही वगैरह बनने की बात करें तो प्रोड्यूस हो रहा है तो यहाँ पे बैक्टीरिया काम करता है, बैक्टीरिया डिकम्पोज करने भी चीज़ों को काम करता है। तो वो चूँकि मैंने एग्जाम्पल भी ऐसे लिए हैं जो कंफ्यूजिंग एग्जाम्पल हैं, जिस तरह से वो क्वेश्चन पूछा है दोनों में ऑप्शन दिया है तो मैंने भी दोनों में रखा है। तो डिपेंड करेगा वो किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। जब मैं एमसीक्यू कराऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो आप मुझे फॉलो करके रखिए ताकि मैं जब भी कुछ लेसन या कोर्सेज ऐड करूँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए, आप डिले ना हो, लेट ना हो। एग्जाम से पहले मैं अपलोड करूँगा तो ऐसा ना हो कि एग्जाम में चले जाए और देख ना पाए, बाद में पता चले आपको कि वो तो अपलोड था मैंने देखा नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए एक और है इकोलॉजिकल हिस्ट्री, इसको हम जानते हैं, इसमें काफ़ी डिटेल में मैंने चीज़ें लिखी गई है, इसको आपको याद रखना है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, पूरे ग्राफिकल ढंग से बताया है। इकोलॉजिकल हेरिटेज क्या है? इकोलॉजिकल हेरिटेज को दो भागों में बांटा गया, एक है बायोटिक और दूसरा है अबायोटिक। बायोटिक की बात करें तो इंडस्ट्रियल स्पेसीज पॉपुलेशंस एंड बायोटिक कम्युनिटी। तो बायोटिकल हेरिटेज एक से बनता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है नीचे। पहला इंडिविजुअल्स है जिसमें यूनिट ऑफ इकोलॉजी होता है, एक यूनिट काम करता है, स्पेसीज कई यूनिट्स मिलकर एक स्पेसीज बनाते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल इंडिविजुअल्स होते हैं इसमें, ऑल बीइंग ब्रीड। उसके बाद कई स्पेसीज मिलकर आपका एक पॉपुलेशन क्रिएट करता है, पॉपुलेशन बनाता है जिसमें ग्रुप ऑफ मेनी स्पेसीज होते हैं। फिर कई ऐसे ऐसे पॉपुलेशन मिला दिया जाए तो एक बायोटिक कम्युनिटी बनता है, जिसमें आपने बायोलॉजी वगैरह में या इन्वायरमेंट वगैरह में आपने बचपन में ही पढ़ा होगा। तो यह क्या होता है बायोटिक कम्युनिटी, क्या होता है ग्रुप ऑफ मेनी पॉपुलेशन का होता है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, एक और मैं बता देता हूँ जो यहाँ पर मैंने बनाया नहीं है, एक ट्रायंगल बना कर कि कौन ज़्यादा बड़ा होता है कौन कम होता है, इसको याद रखने के लिए। सबसे छोटा लेवल होता है ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, ऑर्गेनिज्म सबसे छोटा अगर ट्रायंगल बना ले आप नोट करते जाए, उसको मैंने यहाँ बनाना भूल गया, वो है ऑर्गेनिज्म। दूसरा इससे कई ऑर्गेनिज्म मिलकर बनाता है स्पेसीज, उसके बाद कई स्पेसीज मिलकर बनाता है आपका एक पॉपुलेशन, कई स्पेसीज मिलकर क्या बनाता है आपका एक पॉपुलेशन बना देता है, कई पॉपुलेशन मिलकर आपका क्या बनाता है कम्युनिटी, कई कम्युनिटी मिलकर क्या बनाता है इकोसिस्टम, कई इकोसिस्टम मिलकर क्या बनाता है बायोम, और कई बायोम मिलकर क्या बनाता है बायोस्फीयर। कई तो इस प्रकार से ये बड़ा होता जाता है। तो अगर आपको ये ट्रायंगल याद रहेगा तो आप बता सकते हो कि किससे कौन मिलकर बना है, कौन बड़ा यूनिट है कौन छोटा यूनिट है। तो कंपेरिजन करने के लिए वो ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव पूछता ही है इसमें सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, तो क्या आप बता सकते हो, इसको नोट कर लीजिए। अगर आपने नहीं नोट किया तो आप वीडियो को पॉज करके या बैक जाकर भी नोट कर सकते हैं दोबारा। अब चलते हैं हम लोग अबायोटिक हेरिटेज के पास, देखो और इसके बीच का कम्बिनेशन, ये बायोटिक है और ये अबायोटिक है, दोनों के बीच का रिलेशन इकोसिस्टम बनाता है, ठीक है। अगर हम अबायोटिक की बात करें तो पहला इसमें नीचे, सेकेंड है माइक्रो हैबिटेट, थर्ड है हैबिटेट एंड फोर्थ है रेंज। नीचे क्या होता है एक्सक्लूसिव स्पेसीज स्पेस ऑफ स्पेसीज प्लस मैक्सिमम रिसोर्स। माइक्रो हैबिटेट है मैक्सिमम एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, यहाँ पे मैक्सिमम एबिलिटी होता है इंडिविजुअल का, एंड मेनी स्पेसीज कोएग्जिस्ट माइक्रो हैबिटेट्स में।
हैबिटेट्स में एरिया ऑफ मैक्सिमम एक्टिविटी, यहाँ सबसे ज़्यादा एक्टिविटी होता है. मेनी स्पेसीज कोएग्जिस्ट, मेनी स्पेसीज ऑक्युपाई सेम हैबिटेट, प्ले डिफरेंट फंक्शंस. रेंज में की बात करें तो मैक्सिमम ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ मूवमेंट ऑफ अ स्पेसीज एंड फैक्टर आर लिमिटिंग बियॉन्ड दिस. अगर हम इसकी बायोटिक और एबायोटिक देखो, जानते सब चीज़ हो आप, बस इसमें जो याद रखना है आपको, जो ध्यान रखना है, जो पूछा जाता है, वो चीज़ें मैंने लिस्ट आउट किया है. बाकी चीज़ हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं. आप लोग को कम से कम पढ़ के बाद आप अधिक से अधिक नंबर कैसे ला पाएँ, ये चीज़ें यहाँ दी गई है. यहाँ पर पढ़ाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका एग्जाम में मार्क्स आए, क्योंकि पढ़ के आप लोग बहुत सारी चीज़ें बैठे हुए हैं, बचपन से पढ़ ही रहे हैं, कॉलेज में पढ़ा आप लोगों ने, अब एग्ज़ाम निकालना है, आपको नौकरी लेनी है, तो वो चीज़ें पढ़िए जो जिससे नौकरी लग जाए. तो इकोसिस्टम, दोनों मिलकर इकोसिस्टम बनता है. इकोसिस्टम भी दो तीन पार्ट में बढ़ जाता है. एक तो है टेरेस्ट्रियल, दूसरा है एक्वेटिक, लैंड स्पेस भी है. अगर टेरेस्ट्रियल की बातें करें तो यहाँ पर टेरेस्ट्रियल में आता है फॉरेस्ट, ग्रास लैंड इत्यादि. एक्वेटिक की बात करें तो ऑब्वियसली फ्रेश वाटर है, मिनरल वाटर है, ये सभी एक्वेटिक में आता है. लैंड स्पेस की बात करें तो पूरा लैंड स्पेस मिलकर माना जाता है आपको बायोस्फीयर. इसमें लिविंग प्लस एटमोसफेयर, जहाँ लिविंग बींग्स रहता है वो है एटमोसफेयर. बायोस्फेयर में क्या क्या टर्म्स आते हैं वो भी पूछ सकता है आपसे कि बायोस्फेयर में इंक्लूड क्या क्या होता है. तो पूरा लिविंग बींग्स जहाँ भी रहता है वो सभी बायोस्फेयर का पार्ट है. उसके बाद एटमोसफेयर भी उसमें का पार्ट है, लिथोस्फेयर भी है और हाइड्रोस्फेयर भी है. तो ये सभी आपका, सभी मिल के आपका बायोस्फेयर बनाता है. तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो आपको याद रखना है. चलिए एक और है आपका बायोटिक फैक्टर. इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ. जैसे बायोटिक फैक्टर इंट्रैक्शन में एक पॉजिटिव इंट्रैक्शन भी है और निगेटिव इंट्रैक्शन भी है, जिसमें आपको लॉस होता है और इसमें आप पॉजिटिव इंट्रैक्शन अगर होता है तो हमें बेनिफिट होता है. ये दो अगर बढ़ता है, एक है सिम्बोसिस एंड दूसरा है कॉमनेसलिज्म. हिंदी में यदि आपने पढ़ा होगा तो इसको पढ़ा होगा सहजीवी कहते हैं, इसको परजीवी कहते हैं. इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ जो एग्जाम में आने कि चांसेस इसके ज़्यादा हैं, पर बाकी बहुत सारी चीज़ें अगर नोट्स आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके बहुत अच्छे से बताया गया है. तो इसमें देखिए राइजोबियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इसके बारे में आता है. तो राइजोबियम क्या करता है, ये जो प्लांट में पाया जाता है, जो आपके दलहन के पौधे होते हैं उसमें पाया जाता है, ये करता क्या है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि ये नाइट्रोजन स्थिकारक जीवाणु है, ये बैक्टीरिया है. ये एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है उसको पेड़ों की जड़ों में लेके जाके स्थिरीकरण करता है, उसको जाके वहाँ पे सोख लेता है. तो इस काम में आता है राइजोबियम बैक्टीरिया, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. उसके बाद नीचे जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में पूछा जाता है, पर इसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे. ये नीचे बनता है एल्गी और फंगी दोनों को मिलकर हम लोग नीचे से कहते हैं. उसके बाद माइक्रोहिजा जो प्लांट और फंगी मिलकर कराता है. उसके बाद है कैटल्स एंड सेलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया. उसके बाद है आपका माइमेकोफ्ली जो कि एंट और ग्रीन प्लांट के मिलने से बनता है, उसे कंबाइंड फॉर्म को हम लोग कहते हैं. तो चलिए समय नहीं बचा है, बाकी सब चीज़ें ऐसे इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पर मैंने बस लिस्ट आउट कर दिया था कि कहीं कभी आ जाए तो ये मत कहना कि सर ने बताया ही नहीं. तो बहुत सारी चीज़ें आने को, बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, कुछ भी पूछ सकते हैं. उतना चीज़ हमारे पढ़ने का, हमारा पढ़ नहीं सकते, इतना हमारे पास टाइम नहीं है बताने को. तो बहुत सारी चीज़ बताया जाएगा, पूरा बुक है इसके पर इन्वायरमेंट पे, आप जानते ही हो. तो उतना चीज़ें आप कर नहीं पाओगे, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग कर लें. जो लोग सारी चीज़ें पढ़ेंगे वो कुछ कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें छोड़ देंगे, उससे बेहतर है कि हम लोग जो इम्पोर्टेंट है वो करते जाएँ और जो इम्पोर्टेंट नहीं उसको छोड़ते जाएँ. तो चलिए इस लेसन में इतना ही आया, कि लेसन से हम लोग इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स देखेंगे बायोटिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एंड बायोटिक इंट्रैक्शन का. तो चलिए इस लेसन में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. यदि आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो आपसे आग्रह है कि आप सबसे पहले मुझे फॉलो करें, रिकमेंड करें, रेटिंग दें, रिव्यू दें, अधिक से अधिक शेयर करें. कुछ पूछना हो आपको तो आप पूछ सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर. तो थैंक यू वेरी मच. हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी. तो हम लोग देख रहे थे यहाँ पे एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, जो कि आपका ईएससी का एक चैप्टर है. ऐसे तो एनर्जी एंड एनवायरनमेंट हर एक के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो भी कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम देने जा रहा है, एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. अब तो और क्लीन इंडिया चल रहा है, तो एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट पॉल्यूशन से रिलेटेड चीज़ें आपको बहुत पूछी जाएगी. तो इस पर आप ध्यान दें उन चीज़ों को, चाहे आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप ध्यान से पढ़ें.
चलिए, हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखा पिछले लेसन में इकोसिस्टम के बारे में। इस लेसन में हम लोग इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल में बायोटिक इंट्रैक्शन देखेंगे। इसमें वही एग्जाम्पल मैं लूँगा जो कि यूपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो यूपीएससी पूछता है, ना कि जो अच्छा हमको लगे या फिर जो बुक में दिया जाए। जी नहीं, हम लोग वो चीज़ें देखेंगे जो कि यूपीएससी पूछता है। जैसे पहला काम है हमारा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो आपने पढ़ा होगा क्लास टेंथ में, उसी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन उसको फिक्स करता है जो आपका पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे जो खासकर दलहन के पौधे, जो आप दाल खाते हो उसी के पेड़ भी होते हैं, उसी दलहन के पेड़ के जड़ों में राइबोजोबियम नामक जीवाणु होता है जो क्या करता है, नाइट्रोजन जो एटमोसफेयर का नाइट्रोजन है जो कि हमारे लिए यूजफुल नहीं है, नाइट्रोजन का यूज नहीं करते हैं, पर उसी नाइट्रोजन को वो लेता है और उससे वो कुछ कंपाउंड बनाता है और जड़ों में उसको फिक्स कर देता है। उसी को हम लोग नाइट्रोजन को हम लोग खाते हैं दाल के रूप में। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे होता कैसे है, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे चीज़ें देखने के लिए, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है आपके लिए कि आप लोग पढ़ो, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़ूँगा नहीं। यहाँ पे होता है क्या, जो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे एटमोसफेयरिक N2 है, एटमोसफेयर में नाइट्रोजन गैस है, उसको यहाँ पे बहुत सारे जीवाणु होते हैं। राइबोजोबियम के बारे में तो पहले ही पढ़ चुके हैं। एक और है आपका एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर, और दूसरा है कैलेबैसिला, और ऐसे भी बहुत सारे हैं। वो आपका बना देते हैं अमोनिया, अमीनो एसिड उसको कहते हैं, अमीनो एसिड बना देते हैं। उसके बाद क्या करता है उसको, बेसिस रेमोसस माइक्रोकोडिस एंड वेलिग्रियस, ये सब आपको बैक्टीरियाज हैं जो उसमें अमोनियो एसिड को चेंज कर देते हैं अमोनिया में, NH3 में। उसके बाद इसको क्या करते हैं, नाइट्रोसोनम्स एंड नाइट्रोकोसस, ये भी बैक्टीरिया हैं, ये आपका O2 लेते हैं एटमोसफेयर से और इसको नाइट्रेट बना देते हैं, NO2 बना देते हैं। उसके बाद नाइट्रोबैक्टर आता है, वो भी और भी O2 एटमोसफेयर से लेता है, उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रकार का प्रोसेस होता है वहाँ पे। देखिए इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं, जनरली तो ये आपको इससे बैक्टीरिया का नाम ही पूछते हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया है जो एटमोसफेयर से ले रहा है, वो पूछते हैं। उसके बाद ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने दिखाया है कैसे कैसे प्रोसेस होता है काफ़ी डिटेल में, पर इतना डिटेल में ना आपको पढ़ना है ना आपको याद हो पा रह पाएगा। जनरली तो आपको यही याद रखना है कि राइबोजोबियम जो जीवाणु होता है वो इसके काम में आता है, जो दलहन के पौधों में होता है, जड़ों में होता है, और वो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है। तो यही आप याद रखें तो बहुत है, बाकी आपके सामने है, अगर आप बहुत इंटरेस्टेड है तो पढ़ सकते हैं। पर देखिए सब जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो पहले ही बता दूंगा और उसको ज़्यादा डिटेल में मैं करूँगा, बाकी चीज़ों को मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। जैसे कि ये इम्पोर्टेंट मैंने लिख दिया, ये नीचे जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये लीचेंस जो कि है फंगी और एल्गी को मिलकर बनता है, दोनों को कंबाइंड फॉर्म कॉन्ड और लीचेंस कहते हैं। फंगी और एल्गी का अपना अपना काम होता है, और ये कई बार पूछा जाता है कि फंगी का क्या काम है और एल्गी क्या करता है। पिछले साल भी आया था 2018 में जब ESC ने अपना यूनिवर्सिटी का पेपर लिया था उसमें। तो फंगी क्या करता है, फंगी प्रोटेक्शन देता है और एल्गी फूड बनाता है, न्यूट्रिएंट्स देता है, खाना पीना बनाने वाला यही है। एक तरह से पर समझ लीजिए कि ये पिताजी हैं, माताजी हैं, ये प्रोटेक्शन देते हैं और ये खाना बना कर देते हैं। एल्गी इसी खाना खा के जीता है और इससे ये प्रोटेक्शन लेता है, इस प्रकार से एक दूसरे पर डिपेंडेंट है ये। तो इसमें ये इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस एक्चुअली, इसलिए UPSC बहुत ज़्यादा इस सब चीज़ों को पूछता है। जो भी नेशनल लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पर इंपॉर्टेंस रखता है जो चीज़ें, उसके बारे में UPSC बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि करता क्या है, SO2 पॉल्यूशन इंडिकेटर की तरह ये काम करता है। करता क्या है, ये स्टार्ट फॉर फर्टिलाइजेशन इन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड एरिया और वन फॉरेस्ट एरिया। इसी में अगर हम यूसेनिया का बात करें तो इसमें यूसेनिक एसिड और यूसेनिक एसिड होता है, हाईली इन्फ्लेबल होता है जो फॉरेस्ट फायर में आपको। यूसेनिया क्या है, यूसेनिया एक फंगीज है जो कि बिना मतलब बिना पत्तों जैसा पेड़ जैसा तना जैसा रहता है हरा हरा, ये बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल है और फॉरेस्ट फायर के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ये सब चीज़ें हैं आपका। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग माइक्रोहिज़ा की बात करते हैं। माइक्रोहिज़ा में क्या होता है, प्लांट और फंगीज मिलकर आपको माइक्रोहिज़ा कहलाते हैं, जिसको मैंने पहले बताया था आपको। ये है आपका प्लांट का रूट जो कि प्रोवाइड करता है फूड, और ये सब क्या होता है, ये फंगीज हैं जो ब्रिंग वाटर फ्रॉम सॉइल, ये पानी लेके आते हैं। ये आपका जो ऊपर वाला जड़ होता है वही प्लांट को जो है
फूड प्रोवाइड करता है, जबकि फंगी जो है जो वो नीचे से पानी लाने के लिए यूज होते हैं। इसके बाद नीचे और भी चलते हैं, तब यही सब चीज़ें आपको पूछेगा कि आपका फंगी जिसमें कौन है, प्लांट में कौन सा रहता है, वो किस काम में आता है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग एपीफाइटिस। एपीफाइटिस क्या होता है? तो ट्रीज ग्रोइंग ओवर ट्रीज फॉर द मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सनलाइट। तो ये आपने देखा होगा अपने घरों पे, या फिर कहीं आप अगर गांव वगैरह से बिलोंग करते हैं तो वहाँ आपने देखा होगा कि कहीं कहीं एक पेड़ पे एक कुछ और का पेड़ है, नीम के पेड़ पे आम का पेड़, या इस प्रकार का एक पेड़ के ऊपर दूसरा पेड़। तो मैंने बचपन में देखा था कि एक पेड़ था नीचे, उसके ऊपर दूसरा पेड़ है, तो ये कैसे हो गया, एक पेड़ के ऊपर कैसे दूसरा पेड़ ग्रो कर गया। तो ये इसलिए होता है क्योंकि भाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए असाइनर कुछ पेड़ होते हैं जो नीचे स्टे कर लेते हैं, पर दूसरे पेड़ को चाहिए होता है बहुत ज़्यादा सनलाइट, वो दूसरे पेड़ के नीचे नहीं आ सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, चिड़िया लोग क्या करती है, बीज को खाती है और खा के क्या करती है, पेड़ों पर जाके खाती रहती है फल वगैरह को, और जो उसके बीज हैं वो उसी पेड़ पर गिर जाता है उसके पोखले वगैरह में, तो वहाँ से फिर से दूसरा पेड़ दूसरे चीज का पेड़ ग्रो कर जाता है। तो वो दो पेड़ हो जाते हैं और ये ट्री जो होते हैं ग्रोइंग ओवर द ट्री, एक पेड़ के ऊपर दूसरा पेड़ ग्रो कर जाता है, इससे एक को दूसरे का मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिलता है और सनलाइट मिलता है। तो इस प्रकार से एक दूसरे से का हेल्प से, एक दूसरे की सपोर्ट से दोनों जीते हैं। इन ट्रॉपिकल इवर ग्रीन फॉरेस्ट, खासकर के ट्रॉपिकल इवन ग्रीन फॉरेस्ट सदाबहार वन जो आप जानते हैं जो विषुवत रेखा के पास मिलता है उष्ण कटिबंध में, अगर आपने हिंदी में पढ़ा होगा टेंथ तक तो आपको जानते हैं, या फिर इंग्लिश में पढ़ा होगा तो आपने ट्रॉपिकल इवर ग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं उसको, सदाबहार वन, सदा वो ग्रीन रहता है। तो वो ग्रीन क्यों रहता है, तो उसमें क्या होता है, बड़े बड़े लंबे लंबे पौधे होते हैं, उसमें पेड़ होते हैं, पौधा नहीं कहें उसको, पेड़ कहें, बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो नीचे वाला जो एरिया होता है वो दलदल बन जाता है, क्योंकि बारिश है सदाबहार वन वहीं रहेगा जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है। विषुवत रेखा पर ऐसे ही बारिश ज़्यादा होता है, उसमें गठबंध है, बहुत ज़्यादा जितना ज़्यादा सनलाइट पड़ेगा उतना ज़्यादा वहाँ पर बाष्पीकरण होगा, उतना ज़्यादा बारिश होगा, जैसे लाइट वाटर होगा तो उतनी ज़्यादा वहाँ पे बारिश होती है, बारिश होगी तो नीचे पूरा सनलाइट पहुँच ही नहीं पाता, सदाबहार वन है तो ऑब्वियसली समझ सकते हो सदाबहार होने का मतलब क्या है कि बहुत लंबे लंबे पेड़ हैं, बहुत ज़्यादा उसकी पत्तियाँ हैं तो नीचे तक धूप पहुँच ही नहीं पाता है, तो जो भी छोड़ नीचे तक तो कोई पेड़ पौधा रहेगा, नीचे दलदल रहेगा पानी होगा, तो वहाँ पे वही पेड़ पौधे हो सकते हैं जिसको सनलाइट की जरूरत नहीं है, बाकी जिसको सनलाइट की जरूरत है वो पेड़ कहाँ पे होंगे, वो पेड़ों के ऊपर ही होंगे, वो एक पेड़ के ऊपर ही दूसरा पेड़ होगा, नीचे नहीं हो सकता जमीन पे। तो कहोगे खाना पीना कहाँ से लेता है, पानी कहाँ से लेता है, तो वो दूसरे पेड़ से जो पानी लेके आता है उसकी जड़ें वहाँ से वो दूसरे पेड़ की सहायता से वो ले लेता है। तो इन ट्रॉपिकल इवन ग्रीन फॉरेस्ट बिकॉज ऑफ द डेंस फॉरेस्ट एंड एस्ट्रेटिफिकेशन, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो चलिए इस लेसन में इतना ही था, हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स देखे हम लोगों ने बायोटिक इंटरैक्शन के, कि भाई बायोटिक इंटरेक्शन में क्या होता है, देखिए बायोटिक क्या, हम लोगों ने देखा कि भाई जो आपने एक समाज बनाया है, आपने एक बायोम बनाया है, आपने एक बायोस्फीयर बनाया है, तो उसमें एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहेंगे, कुछ बायोटिक कंपोनेंट उसमें रहेंगे, बायोटिक फैक्टर रहेंगे, कुछ अबायोटिक फैक्टर रहेंगे, और एक दूसरे पर वो डिपेंडेंट रहेंगे, एक दूसरे से सहायता लेंगे। यहाँ पे जनरली हम लोगों ने देखा कि बायोटिक वाले ही बायोटिक पर कैसे डिपेंडेंट रहता है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, बायोटिक इंट्रैक्शन, एक बायोटिक फैक्टर एक ही जगह पर रहना उन लोगों को, तो एक दूसरे से वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, फंगी और एल्गी एक दूसरे से वो डिपेंडेंट, एक प्रोटेक्शन दे रहा है, फूड दे रहा है, न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, उसको भोजन चला रहा है, उसको जीने का सहारा है, तो इस प्रकार से एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे देखा, हम लोगों को ये सारी चीज़ें याद रखना है क्योंकि पूछा जाता है। यहाँ पे भी देखा हम लोगों ने कि बायोटिक और अबायोटिक चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंडेंट कैसे है, एक दूसरे ऑब्वियसली इन्वायरमेंट में हम लोग रह रहे हैं तो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, क्या हम लोग जाके मार्स पे जी रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं, क्यों नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे जिन चीज़ों पर हम डिपेंडेंट है वो चीज़ें वहाँ पर नहीं है, इसमें प्लेयर नहीं रह सकते हैं। तो यही बताने की कोशिश किया गया है आपका इन्वायरमेंट पे, यही कि आपको समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि हम लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, तो हम लोग को उन चीज़ों का क्या ध्यान रखना पड़ेगा जिस पर हम लोग डिपेंडेंट हैं, नहीं तो अगर वो चीज़ अभी नष्ट हो गई तो हम लोग अपने आप ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो चलिए इस लेसन में इतना ही था, यदि आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया तो आपसे आग्रह है कि मुझे फॉलो कीजिए, रिकमेंड कीजिए, रेटिंग दीजिए, रिव्यू दीजिए,
कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके आगे अगले लेसन में हम लोग फूड चेन के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है शाकाहारी मांसाहारी सभी चीज़ों को हम लोग कंज्यूमर वगैरह पढ़ेंगे कि टॉप कंज्यूमर कौन होता है, और आपका और भी चीज़ें पढ़ेंगे जो अगले लेसन में। इस लेसन में इतना ही था, साथ ही साथ आपसे एक और आग्रह है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप जान रहे हैं कि भाई ये चीज़ें आपको मिल नहीं रही है मटेरियल, बच्चों को बहुत बच्चे लोग तड़प रहे हैं भाई कहाँ से पढ़ा जाए, बीएससी के लिए तैयारी कैसे किया जाए, जनरल स्टडी का पेपर कहाँ से लाया जाए, इन्वायरमेंट उन्होंने लिख दिया है, इन्वायरमेंट पर बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है, एनर्जी इन्वायरमेंट में बड़ी बड़ी बुकें हैं, पीएचडी तक होता है पढ़ाई इस पर, तो कहाँ तक पढ़ा जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शॉर्ट में मैंने सब चीज़ प्रोवाइड कराया है, वो चीज़ें मैंने छाट के लाया है जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो यूपीएससी पूछता है या फिर पूछ चुका है आपका, इन सब चीज़ों को मैंने आपके सामने लाया है। तो आप दोस्तों को बताइए अपना, उनको भी फ़ायदा होगा, उनकी भी हेल्प हो जाएगी, और यदि आप दूसरों की मदद करेंगे तभी आपकी ईश्वर मदद करेगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? तो हम लोग देख रहे हैं इस कोर्स में बेसिक एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, जो कि आपका ये सी जनरल स्टडी का एक टॉपिक है, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ देख रखा था, इकोलॉजी देख रखा था हम लोगों ने, फिर बायोटिक अबायोटिक देख रखा था, फैक्टर देख रखा था हम लोगों ने, इसके अलावा हम लोग ने बायोटिक इंट्रैक्शन देख रखा था, कुछ एग्जाम्पल्स उसके देखे थे पिछले लेसन में। इस लेसन में हम लोग फूड चेन को देखेंगे, फूड चेन क्या होता है अब इसके डिफिनेशन तो हम लोग जानेंगे नहीं, वो पूछेगा भी नहीं डिफिनेशन आपसे, फिर भी आप देख लीजिए डिफिनेशन क्या है, मैंने लिख दिया है। इट इज द सीरीज ऑफ इकोलॉजिकल हेरिटेज विच क्रिएट अ पैटर्न ऑफ एक्सचेंज ऑफ द कार्बन एंड एनर्जी बिटवीन द बायोटिक फैक्टर थ्रू अ मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो ये सब चीज़ नहीं पूछने वाला है आपसे, इतना बड़ा एग्जाम देने जा रहे हैं वो टेंथ लेवल का, आपसे एग्जाम पर डिफिनेशन नहीं पूछने वाला है। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में देखते हैं, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। एंड ऑटोट्रॉपिक्स क्या होते हैं, सिंथेसिस देयर वन फूड, एंड हेट्रोट्रॉपिक्स क्या होता है, डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर फूड। तो एक होता है खुद ही बनाते हैं, ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं जो खुद खाना बनाते हैं, दूसरे होते हैं जो दूसरे पर भोजन के लिए डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे इंसान दूसरों को मार के खा जाता है, और ये पेड़ पौधे जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं फूड, हम लोगों ने देखा दो प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऑटोट्रॉपिक्स न्यूट्रिएंट्स कौन कौन हैं और वो कैसे कैसे होते हैं, उसका डिवीजन क्या है। तो दूसरा है डिपेंड ऑन लाइट टू ऑब्टेन एनर्जी। अब एनर्जी कहीं ना कहीं से तो चाहिए, उसको भोजन बना रहा है तो ऐसे तो नहीं बनाएगा, एनर्जी तो कंजर्व है, इतना तो जानते हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो आप लोग, नहीं भी हो तब भी इंजीनियरिंग में आपने पढ़ाई होगा। तो एक तो है कि भाई एनर्जी चाहिए, तो एक तो लाइट से एनर्जी लेता है, दूसरा कहाँ से लेता है, डिपेंडेंस ऑन द केमिकल्स टू ऑब्टेन एनर्जी। तो एक तो लाइट से एनर्जी लेता है, दूसरा केमिकल से एनर्जी लेता है। जो लाइट से एनर्जी लेता है उसको हम लोग फोटोऑटोट्रॉप्स कहते हैं, और जो केमिकल से आपको केमिकल्स कंपाउंड से एनर्जी लेता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, केमोऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तो नाम भी अजीब है बायोलॉजी के, जो तो मैं इंजीनियर हूँ, बायोलॉजी मैंने पढ़ा नहीं खासकर इंग्लिश में, टेंथ तक मैंने हिंदी में पढ़ा था, तो मुझे नाम लेने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, नाम तुम लोगों को वहाँ पर लेना नहीं है वैसे भी, उसको टिक करना है देख देख कर हमें ऑप्शन। तो ऑटो फोटोट्रॉप्स होते हैं, उसके बाद बहुत सारे जिसके एग्जांपल्स भी हैं, जैसे फोटोलिथोट्रॉप्स, उसके बाद फोटो और ऑटोट्रॉप्स, इसके एग्जांपल्स हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉप न्यूट्रिएंट्स के। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, इतना हम लोगों ने जान लिया बहुत है, इसके नीचे का आप लोग खुद से देखिए। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉप न्यूट्रिएंट्स, ये तो पिछला लेसन वाला है, पिछला ही साइड का है ये वाला। उसके बाद है हेटरोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉप्स को देखते हैं जो दूसरों पर डिपेंड करता है खाने बनाने के लिए। तो ये आपने देखा जो खुद ही खाना बनाते हैं, दूसरा हम लोग देखेंगे जो कि खाना बनाने खाने के लिए अपने भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है, जैसे है होलोट्रॉपिक्स जो किट किल एंड ईट, जिसमें है आपका होलोफैटिक एंड होलोजोनिक। होलोफैटिक है जिसमें आपका प्लांट आता है, जो प्लांट को खाकर अपना जीवन यापन करता है वो कहलाता है हर्निवोरियस, जिसको मतलब शाकाहारी। और उसके बाद है एरोजोबिक, जो एनिमल्स को खाकर जीता है, किल एंड ईट मार के खा जाने वाला वो है कार्निवोरियस कहलाता है, मांसाहारी होता है। उसके बाद हेटरोट्रॉपिक्स में सेकंड है आपका पैरासिटम, ये भी किल एंड ईट वाले हैं, ये है वायरस बैक्टीरिया फंगस प्रोटोजोआ एंड प्लांट्स, ये भी यही काम करते हैं। उसके बाद आपका होता है
सेप्टोट्रोफिज्म वो है ईट डेड एंड डिके, यानी कि डिकम्पोजर, जो डिकम्पोज करता है मर जाने के बाद वो आपके से जो गला गला कर खाता रहता है वो डिकम्पोजर होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह ये यहाँ पे आता है, वो डिकम्पोज करके आपको जहाँ जिस पांच तत्वों से आप बने हैं उसी पांच तत्वों में लौटा देता है, वही डिकम्पोजर है ये। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, तो ये सब चीज़ें हैं, चूँकि ये सब चीज़ें आप जानते हो, पढ़ चुके हो, बस आपको याद दिलाना था, आपको नोट्स देना था, इसलिए मैंने इस सब चीज़ों को यहाँ पे मेंशन कर दिया है। बाकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं कि इन सब चीज़ों को बहुत डिटेल में बताया जाए आपको, ऐसे भी आप जानते ही हैं, बस एक बार आप देख लोगे तो आप याद आ जाएगा आपको, भूले भूले से यादें, जो मिस्री मिस्री सी यादें आपको आ रही होगी वो फिर से ताज़ी हो जाएगी आपकी यादें, इसलिए मैंने यहाँ पर डाल दिया था। आप जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आएंगी उसको हम डिटेल में एक्सप्लेन में करूँगा, यहाँ पे जो चीज़ें आपने पढ़ रखा है जानते हैं उस पर समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, वीडियो बड़ा हो जाएगा आपको ही देखने में समय लगेगा, आपका ही समय बर्बाद होगा, तो उसको हम लोग सेव करते हैं। टाइप ऑफ फूड चेन की बात करें, फूड चेन के बारे में आपने बहुत चीज़ें पढ़ी होगी बचपन से ही, फूड चेन की बात करें तो अपेक्स इंट्रैक्शन और बायोटिक फैक्टर टाइप में अगर हम देखें तो प्रिडक्टर होते हैं, पैरालिस्टिक्स होते हैं और डिट्रैक्टर्स और एस्परेटोफिक होते हैं। ये क्या होते हैं, प्रिडक्टर क्या है, प्रिडिक्शन डिपेंडेंट जो कि है, लॉन्गेस्ट फूड चेन मैक्सिमम ट्रॉपिक लेवल 3 से 4 होंगे वही प्रिडिक्टर कहलाते हैं, इसमें आपको सबसे लंबा फूड चेन यही होता है, इसमें मैक्सिमम ट्रॉपिक लगभग 3 से 4 होते हैं, तो आपको ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद पैरास्टिक की बात करें तो ये फूड चेन ऑफ वेरिंग लेंथ, इसमें अलग अलग लेंथ के फूड चेन मिल सकते हैं आपको। यहाँ पर बात करें आपको डिस्ट्रिक्ट की बात, डिपेंडेंस ऑन द स्पेक्ट्रोफिजम स्मॉलेस्ट फूड चेन आपका यही होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्मॉलेस्ट कौन होता है, बड़े सबसे बड़ा फूड चेन कौन सा होता है, ये आपको पूछ सकता है वो ऑप्शन देखिए कि में से सबसे ज़्यादा सबसे लॉन्गेस्ट फूड चेन कौन है, तो वो नाम दे देकर आपसे पूछ सकता है। यहाँ पर प्रिडिक्टर फूड चेन की बात करें हम लोग, इसमें है ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म में कौन कौन है, आपका ग्रीन प्लांट एल्गी जो कि आपका प्रोड्यूसर होता है इसमें, और उसके बाद होता है हर्बिवोरियस जो शाकाहारी होते हैं, जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, ये सारे कंज्यूमर ही हैं, पर हर्बिवोरियस प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं, कार्निवोरियस आपका सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं, और ओमनिवोरियस आपका कहलाता है टॉप कंज्यूमर। इस प्रकार से कंज्यूम होता है, यहाँ पे भी आपका ग्रीन प्लांट आपका प्रोड्यूसर है, यही एक प्रोड्यूस करने वाला है खाना, बाकी सब लोग खाना खाने वाले हैं। तो चलिए इस लेसन में इतना ही था, आगे के लेसन में हम लोग स्पेसिफिकेशन और फूड चेन्स देखेंगे, अगले लेसन में हम लोग फूड ग्रुप देखेंगे, प्रोडक्टिविटी ऑफ इको सिस्टम देखेंगे, इकोलॉजिकल पिरामिड ग्रुप देखेंगे, तो इसमें सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर का आप लोग मास के बेसिस पर ट्रायंगल देखेंगे, या फिर इन्वर्टेड जो पिरामिड होता है वो देखेंगे, तो उसमें से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, मेनली हम लोग क्वेश्चन ही ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है, बाकी सब चीज़ें आप लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें आप लोगों ने पढ़ रखी है, क्योंकि इतना पढ़ना रहता है, ये हर जगह पढ़ना रहता है, एनवायरमेंट आजकल हर जगह इंपॉर्टेंट हो गया है, तो हर जगह पढ़ना रहता है, तो कहीं ना कहीं आपने पढ़ा ही होगा, कुछ ना कुछ यादें आपकी होगी होगी, उससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर थोड़ा सा वो बहुत भी आपको नॉलेज होगा। बाकी यहाँ पे कंटेंट आपको पूरा दिया गया है, जो ज़्यादा मैं समय किसी पर गवा नहीं रहा हूँ, क्योंकि सब चीज़ें आप जानते हैं तो उसको एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है जो चीज़ें जानते हैं। तो चलिए इस लेसन में इतना ही था, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग का, यदि आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया तो आपसे आग्रह है सबसे पहले आप जाकर मुझे फॉलो करें, रिकमेंड करें, रेटिंग दें, रिव्यू दें, अधिक से अधिक शेयर करें, फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर जहाँ पे भी आप हैं उसको शेयर करें वीडियोज को, और ये मैंने कंटेंट कम से बनाया है तो वो कंटेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को मिल नहीं रहा है, जो भी बुक्स वगैरह भी आपको मिलेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मटेरियल रहेगा, बहुत मटेरियल रहेगा, उतनी सारी चीज़ें आप पढ़ नहीं पाओगे, चाहे वो किसी भी चीज़ का बुक ले लो, उन लोगों को बुक छापना है, एक दो पेज का तो बुक छाप नहीं सकते हैं वो, यहाँ PDF है 5 पेज में कम्प्लीट हो जाएगा, सारी चीज़ें एकदम शॉर्ट में लिखा हुआ देख ही रहे हो कि सारी चीज़ें मैंने ग्राफ बना बना कर दिखाया, ताकि आपके लिए रिविजन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ही कम समय में आपका रिविजन हो जाए, रिविजन में आपका समय न लगे, इस प्रकार से बनाया गया है इस सब चीज़ों को। तो आपसे आग्रह है कि भाई आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जो भी फ्रेंड्स हैं आपके जो घर पर बैठ के तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग तो कोचिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग घर पे ही बैठ के तैयारी कर रहे हैं, उनको सुविधा नहीं मिल रहा है, उनको कुछ दिक्कतें होगी, आपसे आग्रह है कि उन लोगों की मदद करें आप, क्योंकि जो दूसरों की मदद करते हैं, जो जरूरतमंदों की मदद करते हैं, इसमें उनकी मदद करता है, एग्जाम में जानते ही हो कितना लाइफ फैक्टर काम करता है, तो आपसे आग्रह है कि भाई उन लोगों की मदद करें, अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।
हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। हम लोग इस कोर्स में देख रहे हैं बेसिक एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, जो कि ईएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के जनरल स्टडी के 10 टॉपिक्स में से एक टॉपिक है, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें देख लिया था। फूड चेन यहाँ पे देखेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन, फूड चेन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों फूड चेन होना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, आखिर चेन ही क्यों होना चाहिए फूड्स का, वो ऐसे ही क्यों नहीं होना चाहिए, इंडिविजुअल एक चेन की तरह क्यों बिहेव होना चाहिए, उसका फीडबैक क्यों होना चाहिए, सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए फीडबैक, ऐसे तो आपने पढ़ रखा है छोटे क्लासों में फीडबैक के बारे में, फिर भी हम लोग कुछ चीज़ें रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोग जो चीज़ें भूल गए हैं उस चीज़ों को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। फीडबैक क्या होता है, जो दो तीन फूड चेन एक दूसरे से अगर लिंक्ड हैं तो वो फूड वेव बना देता है, एक एक जाल की तरह बना देता है। जैसे फूड चेन, यहाँ पे एक फूड चेन है, प्लांट को डियर खाता है, डियर को टाइगर खाता है, फूड चेन दो है, प्लांट को गॉड खाता है, अब इस गॉड को भी टाइगर खा सकता है, तो दो फूड चेन एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, मतलब लिंक्ड है एक दूसरे से, ढेर सारे जाल बना रहा है, यहाँ से भी खा सकता है, यहाँ से भी वो खा सकता है, तो ये सब एक दूसरे से लिंक्ड हो गया है, ये डियर प्लांट वगैरह खा सकता है, तो ये एक दूसरे से लिंक हो गया है। सर लार्ज फिशेस है तो ये आपको को शेर भी खा सकता है, एलगी जो कि ये लार्ज फिशेज जो खाते हैं, स्मॉल फिशेज जो खाते हैं, ये फूड चेन तीन की बात करें, एलगी इसको स्मॉल फिशेज खाती है, स्मॉल फिशेज को लार्ज फिशेज खाती है, और फिर लार्ज फिशेज को भी ये टाइगर बेचारा सबको खा सकता है। तो एक दूसरे से देख रहे हो कि लिंक्ड हो गया है, तो एक वेव बना रहा है, इसी को फूड वेव कहते हैं। तो फूड वेव मेंटेन द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन मेनी इकोसिस्टम टुगेदर और हेल्प टू इन फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू अनदर इकोसिस्टम। ऐसा ना हो कि एक इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि देखो ये आपका ये दोनों तो आपको सिमिलर जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल अलग है, ये कहीं और हो रहा है, किसी और दुनिया में, ये किसी और दुनिया में हो रहा है, एक अलग ही इकोसिस्टम अपना क्रिएट कर रहा है, और एक इकोसिस्टम दूसरे पर आपका डिपेंडेंट हो रहा है। तो ये दुनिया एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे पर आश्रित रहे, भगवान ने जानबूझ के इसलिए फूडवे बनाया है। अगर ऐसा ना होता, क्योंकि मेन तो इंसानों का इच्छा जो है वो खाना है, बाकी तो ऐसे ही करते रहते हैं, उसी के लिए चोरी चमारी करते रहते हैं, तो मेन है उसका खाना। तो भगवान ने ऐसा ही बना दिया है कि खाने के लिए भी आप एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहो, एक दूसरे का लिंक अगर नहीं रहता तो ये अपनी ही दुनिया बना लेता कि हमको तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम अपना वो कहेगा कि हमको कोई तुमसे मतलब नहीं है, और ये अपना ही दुनिया बना लेगा, एक दूसरे से अटैक करके दूसरे को मारते रहेंगे। पर ऐसा ना हो, क्योंकि हर कोई एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो, एक दूसरे से ना लड़े, दुनिया बढ़िया से एक दूसरे से कंबाइंड फॉर्म में चले, ये भगवान की इच्छा थी, भगवान ने इस तरह से दुनिया को बनाया। तो एक इकोसिस्टम जितना ज़्यादा एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहेगा, उतना ही टाइट वो बॉन्डेड रहेगा, वो एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे, तो और जितना एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, एक दूसरे से लड़ते रहेंगे वो, क्योंकि एक दूसरे डिपेंडेंट उसको मार के खा जाएगा, उसको ख़त्म कर देगा, नष्ट कर देगा। तो इट इम्प्रूव द ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम। समझ गया सिग्निफिकेंस क्या है फूड चेन का, ये क्या करता है, प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम को बढ़ाता है, एक दूसरे पर डिपेंडेंसी बढ़ा देता है वो, ये अच्छी बात है। जितना घनिष्ठ संबंध रहे, एक दूसरे पर निर्भरता रहे, उतना ज़्यादा आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, वह है प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम। प्रोडक्टिविटी की बात आई पिछले स्लाइड में कि प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम इंप्रूव होता है, तो प्रोडक्टिविटी है क्या जान लेते हैं। फ्लो ऑफ एनर्जी अक्रॉस द फूड चेन लेवल, एक लेवल से दूसरे लेवल तक फूड चेन का फ्लो जो होता है वही आपका प्रोडक्टिविटी कहलाता है। तो क्या है भाई, कैसे फूड चेन होता है, सब फ्लो होता है। तो देखिए सन है, सन के पास यदि मान लेते हैं जो सन से एनर्जी आ रहा है वही अल्टीमेट एनर्जी है, वही टोटल एनर्जी है, वही सब कुछ है, तो 100% एनर्जी है इसके पास जो भी आ रहा है भाई, वही है जो सब कुछ है, जो वही है, उसके अलावा कहीं भी हमारे पास कहीं से भी एनर्जी नहीं आ रहा है। ये यही सूर्य नारायण है, सूर्य को नारायण कहा गया, यही नारायण है, यही पालन पोषण करने वाले हैं, नारायण कौन, जो हमारे नाथ हैं, जो हमारा पालन पोषण करते हैं, तो वही है, ये सूर्य नारायण है, सूर्य को भी नारायण कहा गया है इसलिए, क्योंकि वही पालन पोषण करते हैं, उनके बगैर कुछ भी हम नहीं रह सकते हैं, तो एनर्जी देने वाला यही है सिर्फ। तो हमारे पास जो एनर्जी आता है सन से आता है, यानी किसके पास जो एनर्जी वो 100% है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये पहुँचता है कहाँ पे, अर्थ पे, तो अर्थ पे पहुँचते पड़ते इसका 50% तो उधर ही खत्म हो जाता है, तो 46-48% ही आपका धरती के सरफेस पर पहुँच पाता है, उसमें से आपका 50% ऑफ इट मतलब जितना पहुंचा उसका 50% ऑफ इट में 23% ऑफ टोटल, यानी टोटल की बात करें तो 23%, और अगर इसका बात करें तो इसका 50% यूज टू फोटोसिंथेसिस कॉल्ड एज फोटोसिंथेटिकल एक्टिव रेडिएशन।
तो इसमें से क्या होता है, इसमें से जो पार्ट रहता है जैसे कि टोटल जितना आया सन से उसका बस 23% या भी कहो कि जितना धरती पे आ रहा है उसका 50% का फोटोसिंथेसिस होता है जो पेड़ पौधे करते हैं, और ये जो रेडिएशन जो फोटोसिंथेसिस में यूज होता है उसको फोटोसिंथेटिकल एक्टिव रेडिएशन कहते हैं। वही रेडिएशन जो फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब यूज हो रहा है, वही उसके लिए एक्टिव रेडिएशन कहलाता है, PAR कहलाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, यूज फॉर द प्रोड्यूसर इज फूड सिंथेसिस। तो यही फोटोसिंथेसिस से ही हमारा पेड़ पौधे क्या करते हैं, वो अपना खाना बनाते हैं और उसी खानों को वो भी खाते हैं और हम लोग को भी खिलाते हैं। तो यही है आपका कि ये इसमें क्या होता है, यूज फॉर द फूड प्रोड्यूसेस इन फूड सिंथेसिस जो 52 से 56% और होता है। यदि टोटल की बात करें तो 12 से 13% ही फोटोसिंथेसिस हो पाता है, ये सन जितना एनर्जी देता है उसका मात्र 12 से 13%। और सोचो ये 12 से 13% में भगवान सबका पालन पोषण कर रहे हैं। अब यही क्या क्या करता है, ग्रीन प्लांट्स ऑफ एल्गी सिंथेसिस ग्लूकोज एज द आउटकम्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस करने के बाद इसका बनाता है ग्लूकोज बनाता है ये अपना और इसी से हम लोग को खिलाता है। तो ये ग्लूकोज मेजर एनर्जी सबस्ट्रेट है और इसमें क्या करते हैं, वो क्या करता है, यूज बाय प्लांट इन रिस्पिरेशन। तो 90% तो वो खुद के लिए यूज में रख लेता है। तो यही है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की अगर बात करें तो यही जो ग्लूकोज बनाया है यही आपका ग्रॉस बना। उसके बाद इसमें 90% तो बेचारा खुद ही रख लिया। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करें तो यूज बाय द कंज्यूमर बाय द प्रीडेस्टिनेशन। प्रीडेस्टिनेशन के बाद से जो है वो यूज करता है कितना, 10% सिर्फ। यहाँ पे भी आपका लॉस्ट इन रिस्पिरेशन में आपका 90% यहाँ भी लॉस हो जाता है और उसके बाद सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में ये जाता है। तो देख रहे हो 10% लॉस हो जा रहा है हर जगह, जो आपने पढ़ा होगा कि 10% का लॉस हो जाता है एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाने में। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड की बात करते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड की बात करें तो ये भी आपने बहुत जगह पढ़ा होगा। ये इकोलॉजिकल पिरामिड होता क्या है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इकोसिस्टम का कंपोजिशन एंड फंक्शन बेस्ड ऑन फूड चेन। तो ये फूड चेन के बेसिस पे आपका इकोसिस्टम का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो देखिए टॉप जो सबसे टॉप पे होता है टॉप कंज्यूमर्स होते हैं, सबसे कम आबादी होती है उसकी, तो सबसे ऊपर पे है टॉप कंज्यूमर, ऑलवेज एट टॉप ऑन ऑफ पिरामिड, पिरामिड के टॉप पे रहेगा ये। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, सबसे ज़्यादा आबादी किसी रहेगी प्रोड्यूसर की, क्योंकि इसी को तो खाकर ये जी रहा है, इसको खाकर ये जी रहा है, इसको खाकर ये जी रहा है, तो ऑब्वियसली इसको खाकर जी रहा है ज़्यादा रहेगा तभी तो इसको खाएगा, कम रहेगा तो इससे ज़्यादा तो वही खा जाएगा तो ख़त्म ही हो जाएगा चीज़ें। तो इस प्रकार से आपका पिरामिड बनता है। तो टाइप ऑफ पिरामिड की बात करें तो पिरामिड ऑफ एनर्जी है, पिरामिड ऑफ नंबर्स है, पिरामिड ऑफ बायोमास है, तो अलग अलग टाइप के पिरामिड बनते हैं। जैसे कि आपको पिरामिड ऑफ नंबर्स इन लार्ज ट्री इकोसिस्टम, और यह है पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ स्मॉल पॉन्ड इकोसिस्टम। तो अलग अलग इकोसिस्टम का आपका पिरामिड बना बना कर दिखाया गया। तीन प्रकार का पिरामिड बनता है, एनर्जी पिरामिड बनता है, नंबर मतलब कितने नंबर हैं उसमें उसके पिरामिड भी बनता है, और बायोमास कितना है यानी कि पूरा मास कितना है बायो का, जो बायोलॉजिकल जो चीज़ें हैं उसका मास कितना है उस इकोसिस्टम में उसका पिरामिड बनता है। तो इस प्रकार का पिरामिड बनता है। ये पूछा जा सकता है कि कौन सा पिरामिड इन्वर्टेड होता है यानी कि इस तरह का बनता है, कौन सा पिरामिड इस तरह का बनता है, ये चीज़ें हम लोगों को देखते हैं हम लोग। तो टॉप कंज्यूमर सदैव जो हम जो कंज्यूमर होते हैं वो टॉप पे सदैव होते हैं। तो ये हमको ध्यान रख के हमको पिरामिड बनाना है, उसी से हम लोग बताएँ कि इन्वर्टेड है या फिर सीधा है, ठीक है। तो ये देखिए सबसे पहले तो एनर्जी पिरामिड सदैव अपवर्ड क्या होगा, अपराइट होता होगा जैसा ये है, क्योंकि एनर्जी नीचे से क्या होगा ऊपर की ओर घटता जा रहा है। जैसे कि ये इसके पास ज़्यादा एनर्जी रहेगा, इसको खा रहा है वो, उसके बाद इससे कम ही एनर्जी जाएगा, उसके बाद उससे कम टॉप कंज्यूमर के पास सबसे कम एनर्जी रहेगा। सोचिए इसलिए कहते हैं कि तुम लोग फल सब्जियाँ खाओ, कम खाओगे ज़्यादा एनर्जी लोगे, ये जानवरों को खाओगे, ये तुम लोगों का बहुत बड़ा भ्रम है। जो लोग ये सोचते हैं कि जानवर खाने से, मीट मांस मछली खाने से, मुर्गा अंडा ये सब खाने से आपको ज़्यादा एनर्जी मिलता है, उसमें ज़्यादा प्रोटीन होता है, फलाने प्रोटीन उसके पास आया कहाँ से, वो तो खुद खा रहा है प्रोड्यूसर को, जो भी उसके पास है ये प्रोड्यूसर को खा कर ही तो ला रहा है वो, उसके बाद खुद से कहाँ से क्या आ गया, कौन सा एनर्जी आ गया, तो ऐसा नहीं हो सकता है। सभी चीज़ इसी प्रोड्यूसर को खा रहा है, तो आप लोग क्या कीजिए, इस प्रोड्यूसर को खाइए, ये सबसे ज़्यादा एनर्जी देगा, बाकी में सबसे धीरे धीरे एनर्जी लॉस होता जा रहा है। तो मास ज़्यादा खाओगे आप, एनर्जी आपको कम मिलेगा,
यहाँ पे आप कम से कम मास खाओगे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगा ग्रीन प्लांट्स को, तो ये सब चीज़ें हैं। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करें तो ये सीधा अपराइट होता है, पिरामिड ऑफ नंबर की बात करें तो जनरली अपराइट होता है, पर कभी कभी डाउनराइट भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा होता है कि टॉप कंज्यूमर की संख्या ही ज़्यादा हो, जैसे कि बेल और यूरेंट सेप इन लार्ज ट्री इकोसिस्टम। तो लार्ज इकोसिस्टम में होता है जो कि ये बड़ा आपको दिख रहा है, इस तरह का भी सेप हो सकता है, इस तरह का के अलावा इस तरह का भी सेप हो सकता है पिरामिड का। उसके बाद पिरामिड ऑफ बायोमास जनरली अपराइट होता है और इन्वर्टेड इन अ स्मॉल पॉन्ड इकोसिस्टम, जैसा कि ये है स्मॉल पॉन्ड इकोसिस्टम, तो इन्वर्टेड भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है कि एनर्जी पिरामिड कैसा हो सकता होगा, दोनों हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो एनर्जी पिरामिड तो वो जब भी होगा वो घटेगा ही एनर्जी टॉप कंज्यूमर के पास जाते जाते। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को पढ़नी थी, और भी एक चीज़ें देख लेते हैं या फिर हम लोग अगले लेसन में देखेंगे, वो है बायोअक्युमुलेशन एंड बायोमैग्निफिकेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से बायोमैग्निफिकेशन होता है, इसको हम लोग अगले लेसन में देखेंगे। इस लेसन में इतना ही, हमारे पास समय की कमी है, समय हमारे पास ख़त्म हो गया है, तो हम लोग इस लेसन में इतना ही देखते हैं। तो अगले लेसन में हम लोग आगे की चीज़ें देखेंगे, बायोलॉजिकल कंट्रोल वगैरह देखेंगे और ऑर्गेनिक फार्मिंग भी देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जो हम लोग पिछले लेसन में पढ़े वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं था, क्वेश्चन से कम नहीं आते हैं, पर वो बेसिक था तो देखते चले हम लोग। अब हमारा इम्पॉर्टेंट चीज़ें आ रही है तो हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। यदि आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो सबसे पहले आप मुझे आकर फॉलो कीजिए, ताकि जब भी कोई नया लेसन या कोर्स ऐड हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अपने आप को मेरे कोर्स में इनरोल कीजिए, शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए, रेटिंग दीजिए, रिव्यू दीजिए। कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, इस लेसन में इतना ही। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये इंजीनियरिंग सर्विसेज के जनरल स्टडी का पेपर बेसिक इन्वायरमेंट एंड एनर्जी, उसमें हम लोग देख रहे थे, पहुंच चुके थे फूड चेन के पास, फूड चेन का सिग्निफिकेंस देख रहे हैं, तो उसमें हम लोग तीन देख चुके थे। चौथा यहाँ पे है, वह है बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। बायो एक्यूमुलेशन क्या है? तो एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल टॉक्सिक प्रेसिस्टेंसी सब्सटेंस लाइक पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड ओवर द फूड चेन अक्रॉस द डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल इज कॉल्ड बायो एक्यूमुलेशन। ये होता है क्या है, आपके टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जो आप पेड़ पौधे पर यूज करते हो, कीटनाशक दवाएं, बहुत सारे पेस्टिसाइड होते हैं, इंसेक्टिसाइड होते हैं, जिसका आप यूज करते हो उसका संचय हो जाता है, ऐसे हार्मफुल टॉक्सिक चीज़ों का वो संचय हो जाना, उसमें जमा हो जाना, उसके पास वो सोख लेता है, वो अपने पास रख लेता है उस केमिकल्स को, और यही कहलाता है आपको बायो एक्यूमुलेशन। बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है? इट इज इंक्रीज एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल टॉक्सिक पेस्टिसाइड सब्सटेंस लाइक पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड ओवर द अपर ट्रॉपिकल लेवल ऑफ फूड चेन मैक्सिमम एक्यूमुलेशन एट हायर ट्रॉपिकल लेवल। तो क्या होता है, कभी कभी एक तो होता है कि बायो एक्यूमुलेशन में क्या किया कि आपने किसी पेड़ पौधे पर डाला, आपने कीटनाशक दवाएं डाला या खरपतवारनाशक दवाएं डाला या कोई भी दवा आप यूज कर रहे हैं, खाद यूज कर रहे हैं, तो उसका क्या होता है, आप केमिकल खाद यूज कर रहे हैं यदि, तो वो उसको क्या करता है, उस केमिकल्स को वो सोख लेता है, अपने में रख लेता है वो खाना, और वो संचित कर लेता है। अब उसको यदि आप खाओगे तो आपके में भी केमिकल चला जाएगा वो वाला, तो ये आपका बायो एक्यूमुलेशन करता है कहलाता है। ये तो पता चल जाता है आपका बायो एक्यूमुलेशन, क्योंकि जैसे खाओगे आप मर जाओगे, पता चल जाएगा कि इसमें है पॉइजन, अपने गलत या बीमार पड़ने लगोगे तो डॉक्टर चेक करेगा, पता कर लेगा कि यार इसने क्या खाया था। तो इससे बायो एक्यूमुलेशन तो चलिए आसान है, बायो मैग्निफिकेशन और मुश्किल। बायो मैग्निफिकेशन में क्या होता है कि जिस पे आपने यूज किया है, जिसको दवा दिया है, आपने कीटनाशक दवा दिया हो या खाद वगैरह दिए हो, आपने कुछ भी दिया हो केमिकल्स, तो वो उसे तो असर नहीं करता है, पर उसको खाने वालों को असर करता है, और वो भी धीरे धीरे वो मैग्निफाई होता चला जाता है। जैसे कि उसको किसी ने खाया, बकरी ने, और बकरी को शेर ने खाया, शेर बेचारा बीमार पड़ जाएगा, बाकी लोगों को कुछ नहीं होगा, तो ये मैग्नीफाई हो रहा है, हर ट्रॉपिकल लेवल पर बढ़ता जा रहा है और ऊपर वाले पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से दिखेगा। तो बहुत सारी जगहों पे ऐसा देखने को मिला कि एक जगह पे यूज हो रहा था कुछ कीटनाशक, और वहाँ पर देखा कि गिद्धों की संख्या कमने लगी, लोगों ने कहा कि गिद्ध क्यों कम रहा है भाई, तो वो देखा कि भाई जो प्लांट है उसको खा रहे हैं, और जो गिद्ध जो बल्चर है वो
उनको खा रहे हैं, तो असर उस पे आ रहा है, सबसे ऊपर वाले ट्रॉपिकल लेवल पे है उस पे सबसे ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। तो ये कहलाता है बायो मैग्निफिकेशन, कि मैग्नीफाई हो गया, इफेक्ट उसके मैग्नीफाई हो गए हैं। तो यही आपका बहुत खतरनाक है, क्योंकि हमको पता भी नहीं चलता ये सबसे ट्रॉपिकल लेवल का सबसे ऊपर का जो लेवल होता है आपका फूड वेब पे क्या फूड चेन का, उसको ये वो इफेक्ट कर रहा करता है। तो ये बहुत नुकसानदायक है, पता भी नहीं चलता, खत्म ही हो जाता है। तो मैग्निफिकेशन जो आपको देखिए कैसे कैसे मैग्नीफाई हो रहा है, अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड पर इंडिविजुअल, तो आपने 0.1 ग्राम डाला आपने, तो 0.1 ग्राम आपने एक इंडिविजुअल के लिए डाला, ठीक है। इसको जैसे ही खाएगा वो, तो भाई एक को तो वो खाएगा नहीं, ढेर सारे को खाएगा वो, तो वो आपका क्या हो जाएगा रेसिस, क्योंकि भाई एनर्जी के लिए वो आपने इतना ही यूज किया था पूरे पौधों के लिए, तो उतना वो इफेक्टिव नहीं था। जैसे कि आप यूज करते हो तो भाई उतना में तो इफेक्टिव नहीं है, उतना में आप अगर गया किसी के पास तो वो पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, पर जिसके पास जा रहा है वो एक ग्राम चला गया है एक इंडिविजुअल के पास, उसके बाद वो बढ़ के अगला जो खाएगा उसके पास 10 ग्राम एक इंडिविजुअल के पास रह जाएगा, उसको पचाना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, उसको ऊपर वाला और खाएगा तो 100 पर इंडिविजुअल रह जाएगा। तो इस तरह से उसके पास इतना ज़्यादा बढ़ गया है उस केमिकल्स का अमाउंट कि वो मैक्सिमम इम्पैक्ट किस पर करेगा, हायर ट्रॉपिकल लेवल पे, कि वो ज़्यादा चीज़ों खा रहा है नीचे वाला, तो ज़्यादा जमा करते जा रहा है। तुमने पेड़ पौधा भाई पेड़ पौधा के पास तुमने ढेर सारा पेड़ पौधे पर छिड़क दिया था, अब इतने सारे पेड़ पौधों को तुम खा जाते हो, भाई कब से खाते रहते हो, जीवन भर उसको खाते ही रहते हो, तो धीरे धीरे इकट्ठा हो गया आपको बढ़ता चला जाता है, फिर आपको कोई खाएगा तो जितना आपने इकट्ठा हो गया वो बेचारा सारा सारा खा रहा है केमिकल्स, वो डिकम्पोज तो हो नहीं रहा है, वो खत्म हो जाता तो बात ही अलग है। और उसके बाद भाई उस आपने आप वो एक को खाया वो भी 10 को खा लिया है, ढेर सारे को खा लिया, तो फिर भाई एक एक ग्राम फिर उसके पास बढ़ गया, इस प्रकार का बढ़ता चला जाएगा, और सबसे ऊपर वाले लेवल को एक ही को खाएगा बेचारा मर जाएगा। उसने तो कहा कि हमने एक ही इंसान को खाया, पर इंसान ही इतना केमिकल्स खा चुका था कि एक ही को पचा नहीं पाए, तो ये होता है आपका जो सबसे ऊपर वाला ट्रॉपिकल लेवल पर सबसे ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है उनको। उसके बाद ये अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड एडेड 100 ग्राम और ऑर्गेनिज्म ऑफ फूड चेन की बात करें, प्लांट है नंबर ऑफ इंडिविजुअल 100,000, इंसेक्ट 1,000, उसके बाद चिकन की बात करें तो 100 और ह्यूमन की बात करें तो 10। तो 100 ग्राम यदि आपने एक प्लांट को दिया और नंबर ऑफ प्लांट था आपके पास 10,000, तो भाई कितना पड़ा था, 0.1 ग्राम पर इंडिविजुअल को पड़ा था। इंसेक्ट की बात करें तो वो यही 100 ग्राम भाई केमिकल्स उतना ही है, उसको इंसेक्ट 1,000 इंसेक्ट ने से मिलकर खाया तो 1 ग्राम पर इंडिविजुअल के पास पड़ा। चिकन की बात करो, चिकन ने उसको खाया तो वो आपके पास 100 चिकन था, 100 चिकन मिलकर खा गया उस सभी को, सभी के सभी इंसेक्ट जो थे वो खा गया, तो वो आपका कितना हो गया पर इंडिविजुअल, कितना पड़ गया, एक इंडिविजुअल का 10 ग्राम का पेस्टिसाइड आ गया है, पेस्टिसाइड आ गया है। और ये चिकन को इंसान खा जाता है, तो इंसान 10 इंसान मिलकर 100 चिकन खा जाएगा, आराम से खा जाएगा, उससे ज़्यादा जिंदगी भर तो खाता ही रहता है, तो वो चल जाएगा 100 पर इंडिविजुअल, तो इंसान के पास इतना सारा पेस्टिसाइड एक बार में आ गया, सोचिए उसको पचा नहीं पाएगा बेचारा, मर जाएगा। तो ये दिक्कत है आपका कि आप खाते हो जो, और इसलिए कहते हैं कि एकदम प्लांट को खाओ, प्लांट को खाओगे जितना ऊपर वाला लेवल को खाओगे उतना ज़्यादा आपको नुकसान होने की चांसेस है, जितना नीचे लेवल को खाओगे उतना ज़्यादा मैग्निफिकेशन आपका होने का कम चांसेस हैं। तो जहाँ ये पॉल्यूशन ज़्यादा हो वहाँ पे शुद्ध सात्विक चीज़ें खाइए, ये सब आलतू फालतू चिकन तिकन नहीं मत खाइए, वो ज़्यादा बीमार होता है, उसके बाद ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें पहले ही खा के बैठा होता है, तो उसका सारे बीमारियाँ आपको लग जाएगी, तो ऐसा मत कीजिए। तो इस प्रकार से मैग्निफिकेशन हो रहा है आपका, जो आपका आपने कीटनाशक खाया है, जो केमिकल्स खा रखे हैं उसका मैग्निफिकेशन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट है आप हमारा एक्सटिंक्शन ऑफ वल्चर इन इंडिया। तो देखो वल्चर जो था, बाज था हमारा, मर गया, उसमें क्या हुआ था वो आपको जानिए, किस तरह से विलुप्त हो गया वल्चर, गिद्ध होता है वल्चर मतलब। तो ये आपका है ऑक्सीटोकिन जो आपका, या ऑक्सीटोकिन जो है ये आपका गाय को एक देने जाने वाला केमिकल है, दवा है जो मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए यूज होता है डेयरीज वगैरह में। तो इससे क्या होता है, इससे आपका जो बीज बना आपका गाय का उसको बल्चर ने खाया, और बल्चर में क्या हो गया, इससे क्या होता है जो केमिकल्स, ये केमिकल्स उसके पर इफेक्ट करता है, नेगेटिव इफेक्ट करता है, इसके बोन्स के पोरस ड्यू टू डिक्लोफिनेसी। तो इससे क्या हो गया, बल्चर की संख्या कमने लगी और स्टिंट ऑनली, तो ये खत्म हो गया, विलुप्त प्राय हो गया, ये सब चीज़ें हुई थी, तो जिससे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। इसी प्रकार से कहा जाता है कि भाई आप लोग मांस मछली मत खाइए,
क्योंकि उसमें मैग्नीफाई हो जाते हैं केमिकल जो जो आपके पॉल्यूशंस हैं सब उसमें इकट्ठा हुआ रहता है, और उसे एक बार खाओगे और आप फिर सीधा हो जाओगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल में क्या है, बायोसेंट्रल। बायोसेंट्रल क्या है, इट इज द मेथड डेवलप बाय द सेट एट अटर्वेशन इन द फूड चेन इन सच अ वे दैट इफ द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म any tropical level is increased beyond the threshold limit, then it shows an impact over the number of organism present in the earlier tropical level on the food chain in such a way that it decreased. So biological control क्या होता है, जैसे कि इंसानों की संख्या बढ़ने लगी तो पेड़ पौधों की संख्या कमने लगी, क्योंकि तुम ज़्यादा खा रहे हो तुम्हारी संख्या बढ़ेगी तो दूसरे की संख्या कमेगी। इसी प्रकार से अगर किसी ट्रॉपिकल लेवल में अगर हायर जो ट्रॉपिकल लेवल है उसकी संख्या अगर बढ़ जाती है तो नीचे वाला अपने आप घट जाता है। यही है बायोसेंटर जो हो रहा है, ये डिक्रीज होने लगता है, यही बताई गई है यहाँ पे। तो इट इज यूज इन डेवलपमेंट ऑफ बायोपेस्टिसाइड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। प्लांट को इंसेक्ट खाया उसके बाद फंगी, तो इसका नंबर क्या हो गया, डिक्रीज होने लगा। अगर फंगिस का इंक्रीज जैसे जैसे होता है वैसे वैसे आपका इंसेक्ट का डिक्रीज होने लगता है, आपका वहाँ पर ट्रॉपिकल लेवल में स्थिति। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ। ऑर्गेनिक फार्मिंग भी देख ही लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसको बायो फर्टिलाइजर्स या और बायो पेस्टिसाइड दोनों में हम लोग जैविक खाद और जैविक कीटनाशक की बात करते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर जैविक खाद क्या होता है, तो ये ऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज करते हैं जो आपको बोन मिल्स से लेते हैं। उसके बाद आपका है कंपोजिट ऑर्गेनिक मटेरियल्स की बात करें तो एनरोबिक डाइजेशन जो एनरोबिक नाइट्रेट रिच सबस्टांस है वहाँ से आपको मिलता है ये। उसके बाद हम चलते हैं वर्मिक कंपोजिशन, ऑर्गेनिक मैटर, अर्थवॉर्म जो आपके केचुए होते हैं उसकी बात की जा रही है, माइक्रोबोज, ये एंटोरिच सबस्टांस है, सॉइल एरिएशन। तो ये आपको पॉइंट ही याद रखने हैं ताकि वहाँ पर उससे मिलता जुलता जो भी टर्म मिले आप उसको टिक कर दो, आप ज़्यादा समय ना गवाओ सोचने समझने में। एनरिचिंग ऑर्गेनिक मटेरियल आफ्टर डेथ। इसके बाद है एंड टू फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके बाद में काफ़ी मैंने डिटेल में बताया भी है, फिर से मैं टिक कर देता हूँ कि इसको आप ध्यान रखिएगा। एंड टू फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म में तो जैविक खाद में ये सब चीज़ें होती है, उसमें एंड टू फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होता है जिसमें बैक्टीरिया होता है, जिसमें राइबोजोबियम है, नाइट्रोसोनम्स है, नाइट्रोबैक्टर है, नाइट्रोकोसेस है, नाइट्रोकोसेस है। एल्गी की बात करें तो आपका साइक्रोबैक्टीरिया लाइक स्पिरुलिना, एनाबिना और नोस्टोस इटीसी, तो ये सब आपके चीज़ें हैं। उसके बाद हम लोग अगर जैविक कीटनाशक की बात करें ये क्या करते हैं, डिपेंडेंट ऑन द बायोलॉजिकल कंट्रोल देयर आर पैथोजीनियस ऑफ इंसेक्ट्स लाइक बैक्टीरिया, फंगस एंड वायरस इटीसी। फंगस की बात करें तो ट्रिसोडीमा एंड ब्यूवेरिया यूज होता है आपका जैव कीटनाशक के रूप में। बैक्टीरिया की बात करें तो ये बेसिलियस थ्यूरीजीनियस यूज होता है, और वायरस भी कई यूज होते हैं आपके इसमें जैविक कीटनाशक के रूप में। तो चलिए इस लेसन में इतना ही था, आगे के लेसन में हम लोग एबायोटिक फैक्टर्स देखेंगे। एबायोटिक फैक्टर यानी कि सनलाइट वगैरह के क्या क्या इंपॉर्टेंस है आपका आपके इकोसिस्टम में, और यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी शुरू होंगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, इंपॉर्टेंट बढ़ता जाएगा। फिर पॉल्यूशन वगैरह भी देखेंगे आज के लेसन में, जो कि पॉल्यूशन जब से क्लीन इंडिया आया है हर जगह पॉल्यूशन से ही क्वेश्चन आ रहा है, कि करंट अफेयर से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके इसमें ऐड हो जाएंगे। इन्वायरमेंट, एनर्जी एंड पॉल्यूशन वगैरह सारे में आपके करंट अफेयर के भी क्वेश्चन ऐड होंगे, तो उस सब चीज़ों को भी देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, इस लेसन में इतना ही था। यदि आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो आपसे आग्रह किया मुझे फॉलो कीजिए, रिकमेंड कीजिए, रेटिंग दीजिए, रिव्यू दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर जहाँ पर भी आप हैं मुझे शेयर कीजिए, यह आपका गुरुदक्षिणा है। और यदि आप गुरुदक्षिणा देंगे नहीं तो आपकी पढ़ाई सफल नहीं होगी, वो कर्ण वाला स्थिति आएगा जब आपको सबसे ज़्यादा जरूरत होगी तब आप उसे भूल जाओगे। जब आपको एग्जाम में सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, एग्जाम में क्वेश्चन जब आ जाएगा तभी भूल जाओगे, उससे पहले तो याद रहेगा। तो ऐसा ना हो इसलिए इसको शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, जो भी जरूरतमंद लोग हैं जिसकी ज़रूरत है इसकी, जिससे आप जानते हैं फ़ोन करके, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। चलिए थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? तो ये मैं हूँ अभिनंदन कुमार आज़ाद,
और ये मेरा YouTube का चैनल है एस्केल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जनरल स्टडी ESC जनरल स्टडी का स्टडी मटेरियल मांग रहे हैं, तो बहुत सारे तो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, वो देख ही रहा है आप लोगों को, इन्वायरमेंट एनर्जी के बारे में बना रहा हूँ मैं कोर्स। इसके अलावा जो कोर्सेज हैं वो पहले ही बन चुके हैं, तो वो आप डिमांड कर रहे हो, पहले ही बन के मेरा यूट्यूब चैनल पर लिस्ट है, तो उसको मैं दोबारा क्यों बनाऊँ। ये देखिए, बेसिक ऑफ मटेरियल साइंस पहले ही पब्लिश्ड है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, ये आपका नॉन कन्वेंशनल का आपका टेक्निकल पेपर में भी है, मैकेनिकल के बच्चों को टेक्निकल पेपर में भी है और जनरल स्टडी के भी पेपर में है, तो ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है, बहुत सारी चीज़ें मैंने बना रखा पहले इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, वो यहाँ पे क्यों बनाऊंगा मैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पूरा क्रैश कोर्स ही बना हुआ है, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो वहाँ भी जा सकते हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग एंड एप्टीट्यूड बना हुआ जो कि गेट और ESC दोनों में है, वो भी आप देख सकते हैं। बाकी तो आपको दिख ही रहा है इसमें बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। इसके अलावा आपको मैं ये दिखा दूँ कि यहाँ पे जनरल प्रिंसिपल ऑफ ग्राफिक्स जो ड्राइंग्स है, इंपॉर्टेंट ऑफ सेफ्टी है, वो बना हुआ है आपका, तो ये सब चीज़ें पहले ही बनी हुई हैं। जनरल स्टडी में जो नहीं बना हुआ है तो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। एनर्जी तो पहले ही बहुत डिटेल में बना हुआ है, तो इन्वायरमेंट को बेसिक फोकस करेंगे इस कोर्स में हम लोग, तो स्टार्ट करते हैं बिना समय के। आप इससे पहले आप लोग देख चुके थे पिछले लेसन में इन्वायरमेंट के बायोटिक फैक्टर्स के बारे में, अब इन्वायरमेंट के अबायोटिक फैक्टर्स को हम लोग इस लेसन में देखेंगे। इसमें सबसे पहला है सनलाइट। इस सनलाइट के बगैर जानते ही एनर्जी का परम सोर्स है, इसमें पहले भी बता चुका हूँ, यही सूर्य जो है वो नारायण है। नारायण किसे कहा जाता है, जो हमारे नाथ हैं, जो हमारा पालन पोषण करते हैं, वही नारायण कहलाता है। हम लोग सूर्य को नारायण कहते हैं, सूर्य नारायण कहते हैं, क्योंकि यही हमारा पालन पोषण करता है। इसके बगैर एनर्जी का एकमात्र सोर्स, मैं तो ये कहता हूँ कि इस धरती पर जो भी एनर्जी का सोर्स है सब यहीं से आया है एनर्जी। इसके अलावा एनर्जी देने वाला कोई नहीं इस दुनिया में हमें धरती को, तो जो भी एनर्जी आया है यहीं से आया है। तो सनलाइट क्या है, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग टेंथ से ही, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये। इसके बाद इसमें कौन कौन से वेव होते हैं, एक्स रे होता है, विवियोर जो आपका लाइट है, लाइट का साथ रंग है वो है स्पेक्ट्रम जिसे कहते हैं आप। उसके बाद इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है, उसके बाद रेडियो वेव है। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास होती है, गामा रे, एक्स रे और अल्ट्रा वायलेट रे के पास, जो इस ओर है जिसका वेवलेंथ कम होता है। वेवलेंथ जैसे जैसे बढ़ता है वैसे रेड कलर की ओर आते हैं, जैसे जैसे वेवलेंथ घटता है वैसे आप वायलेट कलर की ओर जाते हैं। और भाई एनर्जी कम है रेड कलर का इसका, लेकिन वेवलेंथ ज़्यादा है इसलिए दूर से दिखता है, क्योंकि ये डिफ्लेक्ट नहीं होता है। जितना कम वेवलेंथ होगा उतने ही छोटे छोटे पार्टिकल से वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। यही कारण है कि जो आकाश का रंग नीला होता है, छोटे छोटे पार्टिकल भी आपके जो ब्लू रंग है वो वायलेट है उसको वो डिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो ऊपर ही रह जाता है वो इधर उधर नचकर। तो ऊपर हम जब भी देखते हैं तो ऊपर हमें ब्लू कलर का स्काई दिखता है। तो ये सर बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें याद भी रखना है, जैसे इंफ्रारेड। इसका इंफ्रारेड किसी से पूछो किसमें ज़्यादा एनर्जी होता है, अल्ट्रावायलेट रे में या इंफ्रारेड में, तो लोग कहेंगे अल्ट्रावायलेट रे का, नहीं इंफ्रारेड में ज़्यादा है किसमें, सॉरी सब लोग इंफ्रारेड से डरते रहते हैं कि इंफ्रारेड में बहुत ज़्यादा एनर्जी होता होगा क्योंकि वो चला देता है, पर ऐसा नहीं। अल्ट्रावायलेट रे तो आपके शरीर में घुस जाएगा, इतना ज़्यादा उसके पास एनर्जी होती है। इंफ्रारेड के पास एनर्जी कम होता है, पर उसको क्या होता है, आपके सरफेस को गर्म कर देता है, आपके हाथ को जला देता है। अल्ट्रावायलेट आपके शरीर इतना ज़्यादा एनर्जी होती है जिसमें शरीर में गोली की तरह वो कांच को फोड़ता नहीं है, वो छेद करके निकल जाता है, इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसके बाद माइक्रोवेव रेडियो उसके बाद की एनर्जी है इसमें, जैसे यही सब चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है, जैसे एक्स वाई गामा रे और एक्स रे के बारे में लिखा गया, वेरी हाई एनर्जी स्पेक्ट्रम है। उसके बाद क्या है, नॉन इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इसका कोई इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस नहीं है, ये हमें नहीं चाहिए। गामा रे, एक्स रे नहीं चाहिए हमें, अल्ट्रावायलेट रे भी नहीं चाहिए हमें। अल्ट्रावायलेट रे तभी तो ओजोन उसको रोकता है, नहीं तो भाई हम लोग तो गए काम से। बाकी ये सब रे भी बहुत खतरनाक है, ये भी नहीं चाहिए हमें। अल्ट्रावायलेट रे की बात करें तो तीन भागों में बांटा गया अल्ट्रावायलेट रे का, तो इतना डिटेल में आपको पता भी नहीं होगा, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा शायद इंजीनियरिंग में, बाकी जिन्होंने नहीं पढ़ा एनवायरमेंट अच्छे से उसको पता नहीं होगा कि अल्ट्रावायलेट रे को भी ABC तीन कैटेगरी में बांटा जाता है। इसमें ए जो होता है सबसे लो एनर्जी होता है, बाकी BC में ज़्यादा एनर्जी होता है, और ये नॉन इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इसका कोई इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस नहीं है। जबकि ए जिसमें कम एनर्जी, ये आपका इंपॉर्टेंट है थोड़ा बहुत जो आता भी है, जिसे ये फैट मेटाबॉलिज्म और विटामिन डी सिंथेसिस में आपका यूज होता है, तो विटामिन डी यानी कि लाइट के साथ वो भी आता है हल्का फुल्का। विवियों की बात करें तो फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, यही लाइट फोटोसिंथेसिस में यूज होता है।
लाइट दिखने के लिए इम्पोर्टेंट है, जो रंग देता है हमें वो फोटोसिंथेसिस में यूज करता है, वाटर यूज होता है, उसके बाद O2 बन के जानते हो कि ग्लूकोज बनता है, सब रिएक्शन आपने बचपन में पढ़ा ही होगा। इसमें क्लोरोफिल की सहायता से बनता है। क्लोरोफिल में क्या होता है, एनर्जी कंटेंट होता है, एनर्जी मोस्ट एम्बेंडेंट होता है। रेड एंड ब्लू लाइट की बात करें तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस में आपका रेड एंड ब्लू लाइट ही यूज होता है। इसके बाद चले इंफ्रारेड की बात, तो हीट वेव है, ये गर्मी पैदा करता है, इसमें भी टकराएगा क्योंकि बाकी एक्चुअली ये गर्मी क्यों पैदा कर रहा है, गर्मी इसलिए पैदा कर, देखो एक्स रे हमारे अल्ट्रा वर्ल्ड ऐसा नहीं कि इसमें ज़्यादा एनर्जी, एनर्जी तो इसी के पास ज़्यादा है, पर ये क्या करता है, आपको तो छेद करके बाहर निकल जाएगा, तो ये तो अपना छेद करके बाहर निकल गया तो ये तो अपना एनर्जी लेके चला गया। विवियोर की बात करें तो ये लाइट टकराती है और वापस आ जाती है, तभी तो आपको दिखता है, अगर ये उसी के पास रह जाती तो ब्लैक कलर का दिखता है। जो भी लाइट जिस भी रंग का वो दिख रहा है, इसका मतलब कि वो उस रंग को रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो आंखों तक पहुंच रही तभी तो दिख रहा है। ये भी रिटर्न होकर चला आया, इंफ्रारेड को वो सोख लेता है। तो इंफ्रारेड को कोई बड़ी जो होता है कोई मटेरियल उसको सोख लेता है इंफ्रारेड को, और सोख लेता है तो उसको गर्मी, और भाई लाइट को रख लिए तभी तो गर्म हो गए, जो उससे निकल गया या फिर उससे रिटर्न आ गया वो सब गर्म थोड़ा ना करेगा, इंफ्रारेड गर्म करेगा। तो इंफ्रारेड गर्म किया, इसको CO2 भी रख लेता है, वाटर वेपर भी रखता है, CH4 भी रखता है, CFC भी रखता है, सारी चीज़ें रखती है। इसलिए ये जो है इंफ्रारेड ही सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है किसके लिए, ग्रीन हाउस गैस, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसके लिए इंफ्रारेड ही जिम्मेदार है, क्योंकि इसी को CO2 सोखता है, और CO2 बेचारा बदनाम हो जाता है पॉल्यूटेंट गैस की तरफ। पर ये जान लो कि CO2 कोई पॉल्यूटेंट गैस नहीं है, कभी मट्टी कर देना इसमें पॉल्यूटेंट गैस कौन है तो CO मारना, CO2 को मत मार देना। CO2 गर्म करता है, वो ग्रीन हाउस गैस है ना कि पॉल्यूटेंट गैस। CO2 नहीं रहता तो तुम ये धरती जम चुकी होती, यही तो बचा के रखता है आपको रात में हीट को, यही बचा के रखता है, सोख कर रखता है। एनवायरनमेंट सबसे भारी गैस है, सबसे नीचे रहता है और हीट को लेकर बैठा रहता है। वाटर वेपर की बात करें तो कुछ लोग नहीं जानते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वाटर वेपर ही हीट को अब्जॉर्ब करके रखता है। सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस अगर कोई है तो है वाटर वेपर। एनवायरनमेंट में भैया यही पढ़ना है, और ये सब चीज़ आपको पता नहीं होती है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर जितने भी हैं ना ये सारे ग्रीन हाउस गैस हैं, इसको ध्यान रखना। ग्रीन हाउस गैस बहुत ज़्यादा UPSC पूछता है, और वाटर वेपर को आप बहुत बार बार मिस कर देते हो। हाल में ही साथ पूछा था वाटर वेपर के बारे में, वाटर वेपर को मिस नहीं करना। वाटर वेपर बहुत बड़ा ग्रीन हाउस गैस है, सबसे ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व करता है, सोखता है। हीट को ऑब्जर्व करने के जानते ही हो कि आप अगर आप जो आप लोगों को अगर मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो आप लोगों को रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ना है, अगर आपके टेक्निकल पेपर में ESC में ही, तो वहाँ पे आप लोग कलेक्टर बनाते हो, कलेक्टर में वाटर ही गर्म करते हो आप, क्यों गर्म करते हो, वाटर बहुत ज़्यादा एनर्जी को रख सकता है अपने पास ऑब्जर्व करके, बहुत देर तक रख सकता है। गैस वैस क्या रखें, गैस वैस का इसके सामने क्या होगा, ये वाटर है, गैस तो कुछ नहीं है, गैस कितना देर तक गर्म रहेगा, वाटर में एक बार एनर्जी चली गई तो सोख के रखे रहता है उसको। CH4 भी है, CFC तो जानते ही हो, यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो आपके रेफ्रिजरेशन से निकलता है, मैकेनिकल इंजीनियर को पता होगा, बाकियों को पता नहीं होगा। तो ये ऑब्जर्व करते हैं इंफ्रारेड को, ये ध्यान रखना आप लोग कि जो ग्रीन हाउस गैस हैं वो इंफ्रारेड को ऑब्जर्व करके रखते हैं। लोअर एटमोसफेयर हीट अप, जो लोअर एटमोसफेयर है यानी कि धरती के जो नज़दीक है उसको यही से हीट करके रखते हैं, गर्म करता है, और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है, यही ग्रीन हाउस है। पॉजिटिव इकोलॉजिकल फिनोमेना, अब ये कहोगे कि भाई ये सही है कि गलत ग्लोबल वार्मिंग, भैया एक कोई भी चीज़ पूरी तरह से ना गलत होती है ना पूरी तरह से सही होती है, इसका अपना इंपॉर्टेंस है। ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो मैंने पहले ही कहा ये सब नहीं होगा, तो गई आपकी धरती, ये जम जाएगी रात को, रात को इतनी ठंड हो जाएगी कि तुम ऐसे ही मर जाओगे। तो ये हाँ एक लेवल से ज़्यादा अगर हो गया CO2 तब इतना ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तब भी मर जाओगे, पर गर्मी कितना भी फिर भी होगा तो ठंडा ज़्यादा लोग मरते हैं, ठंड होगी तो जाके रह लो जाके, गर्मी हो जाओगे तो ये तो तुम लोग डूब के मरोगे क्योंकि बर्फ पिघलेगा और तुम लोग डूब के मरोगे। पर यदि ठंड आ गई तो जम के मर जाओगे, डूबने में तो चलो तक फिर भी कैसे वैसे बचा जा सकता है, पर ये ठंड बढ़ गई तो कोई उपाय नहीं बचने का। चलते हैं ग्रीन हाउस गैस मेंटेन हैबिटेबिलिटी, यही हैबिटेबिलिटी को मेंटेन करके रहता है, हैबिटेट को मेंटेन करता है, हैबिटेट को जिंदा रखता है, चलायमान रखता है, बना हुआ रखता है, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा इस धरती पर। आप कहोगे कि सर हम तो बच जाएंगे, AC में चले जाएंगे ठंड आएगा, तब तुम बच जाओगे, पेड़ पौधे कैसे बचेंगे, भाई सबको देखना है, इकोलॉजी में सब चीज़ आता है ना, पूरा इकोसिस्टम आता है, सबको बचाना है, पेड़ पौधों को बचाना है, मछली को बचाना है, जानवर को बचाना है, ठंडा है सब मर जाएगा, ये दिक्कत है। बाकी जानवर गर्मी से मरते हुए देखे और ठंडा से मर जाएगा बोला सभी, ये दिक्कत है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं एटमोसफेयर को देख लें। एबायोटिक रीजन में ये क्या है भाई,
एटमॉस्फेयर के बारे में डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। एटमॉस्फेयर के बचपन में पढ़ा होगा, लेयर उसके कहाँ चला गया। एटमॉस्फेयर के आपने लेयर्स देखे होंगे, से पांच लेयर हैं। सबसे पहले बात करें कि एटमॉस्फेयर के नीचे के एटमॉस्फेयर की, तो वहाँ पर गैसों की बात करें तो 78% आपका N2 है और 21% के करीब आपका O2 है। बाकी 0.04 CO2 है, बहुत कम है बेचारा, ज़्यादा बढ़ जाएगा सोचो कितनी गर्मी आ जाएगी अभी ये हाल है तो। और ट्रेस एक्सपोज चेयर उस पर टेम्परेचर वगैरह यहाँ पे नीचे दिया गया है, तो देखते हैं। थोड़ा सा रैंडमली बनाया गया है, बन गया है क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सपर्ट तो है नहीं हम डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने में, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से कहाँ पे क्या है। सबसे पहले देखिए आपका 5 लेयर में डिवाइड किया गया, जो आपने ज्योग्राफी में बचपन में पढ़ा होगा 10th के नीचे। तो देखिए इसमें कुछ एक है जो पूछा जा सकता है आपको, एक है आयनोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, एक स्ट्रेटोस्फीयर ये भी है, ट्रोपोस्फीयर। ये देखो ट्रोपोस्फीयर क्षोभ मंडल जिसको आप हिंदी में कहते हो, जो सबसे नीचे वाला लेयर है आपके पास जो रहता है, जो आपका ट्रोपोस्फीयर कहाँ तक है, 12 किलोमीटर तक है आपके धरती से, 8 से 12 किलोमीटर तक है कहीं कहीं, मतलब हाइट ऊंचा नीचा है। यह आपका किसका है, ट्रोपोस्फीयर का क्षोभ मंडल, यहीं पे आपके सारे क्लाइमेट एक्टिविटी होती है, रेनफॉल होती है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है, विंड करंट वगैरह चलता है, हवा वगैरह चलता है, इसी में चलता है। यानी कि जो भी आपके प्लेन्स वगैरह उड़ते हैं इससे ऊपर जाना पड़ेगा, नहीं तो वो बिजली में फंस गया तो गया वो काम से। तो बिजली वगैरह नीचे चलता है, हम लोग हवा के ऊपर बादल के ऊपर चलते हैं, जो भी प्लेन वगैरह चलते हैं वो बादल के ऊपर चलते हैं, इसे कहा जाता है बादल के ऊपर चलें। और उसके बाद है आपका स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोन लेयर इसी में प्रेजेंट है स्ट्रेटोस्फीयर में। ये कहाँ से कहाँ तक है आपका, 64 किलोमीटर तक है, 12 जहाँ खत्म हो गया, 12 से लेकर 64 किलोमीटर तक आपका स्ट्रेटोस्फीयर है। उसके बाद ये है वन मोमेंट ऑफ जेट प्लेन, यहीं पे आपका जेट प्लेन वगैरह उड़ता है। उसके आगे जाएँ तो मेसोस्फीयर है, आयनोस्फीयर, चूँकि बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही मैं बताऊँगा जो एग्जाम में आता है, आ चुका। टेम्परेचर भी देखिए, टेम्परेचर आप जानते हैं कि इसमें जो होता है ऐसा टेम्परेचर का पूरा ग्राफ आपको देखना पड़ेगा, इतना ज़्यादा पूछता नहीं है। तो जो ट्रेटोस्फीयर की बात करें, ट्रेटोस्फीयर में नीचे से ऊपर तक एटमॉस्फेयर गर्म होती है, लोगों को लगता है जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे तो गर्मी बढ़ेगी क्योंकि सूरज ऊपर है, ऐसा नहीं है। सूरज से एटमॉस्फेयर गर्म नहीं होता है, एटमॉस्फेयर से आने वाले सूरज की रे तो जानते हो कि उसको पार करके चली जाएगी। धरती से जो रेडिएशन इंफ्रारेड निकलता है, इंफ्रारेड जो रेडिएट करता है वो रात को धरती, उससे जाके एटमॉस्फेयर गर्म होता है नीचे से ऊपर की ओर। जो नीचे वाले से एयर रहता है सबसे पहले गर्म होता है, CO2 वगैरह, ऊपर ठंडा लगेगा आपको बर्फ जो पहाड़ी पहाड़ वगैरह है उस पर जाके, जैसे कि आपका हिमालय ऊंचा है तो ऊपर देखो उसका जमा रहता है बर्फ की सिल्लियाँ जमा रहती है, नीचे जैसे जैसे आओगे वो थोड़ा सा कम ठंड रहेगी। तो ये देखिए टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, यहाँ पर टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर, यानी यहाँ तो, लेकिन ये सिर्फ ट्रेटोस्फीयर की मैं बात कर रहा हूँ, ट्रेटोस्फीयर में ही नीचे से ऊपर तक धरती गर्म होती है, बाकी फिर आगे ऊपर से नीचे तक होने लगी सब में अलग अलग फिनोमेना होगा जो कि आपको पूरा ग्राफ मिल जाएगा कि कौन बढ़ता है कहाँ पर घटता है। ये हमारा सेमेस्टर एग्जाम में आया था बनाने के लिए जो मैंने बनाया था। उसके बाद चले हम यहाँ पे आते हैं, देखो जितना ज़्यादा मैं बताऊँगा उतना ज़्यादा आपको याद रखना पड़ेगा, तो इतना सारी चीज़ें पढ़नी है, चलो समय भी नहीं बचा है हमारे पास कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, जल्दी से इस चीज़ को देखते हैं। अगर O3 लेयर की बात करें ओजोन के बारे में, काफ़ी सवाल पूछा जाता है, तो ओजोन दो अलग अलग जगह पे हैं, ऐसे तो हर जगह है पर हम दोनों के अलग अलग जगह पे स्टडी करते हैं, एक पोल पे एक इक्वेटर पे, दोनों जगह पे हाइट अलग अलग है ओजोन लेयर का। एक जगह हाइट है पोल की बात करें तो 12 से 16 किलोमीटर ऊपर पे ही आपको ओजोन लेयर मिल जाता है, जबकि इक्वेटर की बात करें तो यहाँ पे हाइट थोड़ा ज़्यादा है, वहाँ पे आपको ओजोन लेयर मिलता है 23 से 25 किलोमीटर पे। थिकनेस देखो यहाँ पे आपका थिकनेस पोल पे ज़्यादा है, जबकि इक्वेटर पे जहाँ पे आप ज़्यादा कांड करते हैं वहाँ पे आपका क्या है थिकनेस कम गया है ओजोन लेयर का। तो ये सब चीज़ें थी। उसके बाद O3 में क्या है, अगर ओजोन लेयर के डिप्लेशन की बात करें तो क्लोरीन और ब्रोमीन अगर O3 के साथ मिल जाता है तो वो इससे O2 और नवजात ऑक्सीजन में तोड़ देता है। ये सब चीज़ें हैं, निश्चित चलते हैं इसमें इतना ही, आगे के लेसन में हम आगे की चीज़ें देखेंगे, अर्थ के बारे में देखेंगे, और भी चीज़ें हैं इसमें देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें, तो वो देखेंगे आगे के लेसन में। तो थैंक यू वेरी मच, इस लेसन में इतना ही, आगे के लेसन में हम लोग आगे की चीज़ें देखेंगे। यदि आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आपसे आग्रह है कि सबसे पहले आप जाके मुझे फॉलो करें, रिकमेंड करें, रेटिंग दें, रिव्यू दें, अधिक से अधिक शेयर करें, दोस्तों को बताएं, ये बहुत ज़्यादा भाई इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेहतर ढंग से मैंने बनाया है, बहुत से कम समय में आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ नॉलेज होगी। ऐसे बहुत सारे बुक मिल जाएंगे आपको पढ़ने के लिए, बहुत जगहों पे बना हुआ है कोर्सेज, पर वहाँ पर ढेर सारे मटेरियल आपको दे दिया जाएगा और आपको कह दिया जाएगा पढ़ लो, हम तो बना दिए हैं, हम तो दे दिए हैं, पर उससे एग्जाम नहीं निकलता है। हमें एग्जाम निकालने के लिए सटीक चीज़ें पढ़नी पड़ती है, ढेर सारी चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ती क्योंकि भाई
हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? तो पिछले लेसन में हम लोग एबायोटिक फैक्टर्स में देख रहे थे। एबायोटिक फैक्टर्स में हम लोगों ने देखा एटमॉस्फेयर के बारे में, सनलाइट के बारे में। एटमॉस्फेयर को हम लोगों ने देखा था कि उसके क्या कौन कौन से लेयर हैं, कैसे कैसे इफेक्ट होते हैं। ओजोन को भी देखा था, ओजोन लेयर को। यहाँ पे आपको एटमॉस्फेयर यानी कि अर्थ का गर्म होना दिखाया गया, हीटिंग ऑफ अर्थ। कैसे अर्थ गर्म होता है, एटमॉस्फेयर अर्थ का कैसे गर्म होता है। तो ये अर्थ है, यहाँ से सन से रे आया, जो गामा रे एक्सरे तो पहले ही एटमॉस्फेयर आयनोस्फेयर में ही खत्म हो गया। आयनोस्फेयर इसको आगे नहीं आने दी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सन से जो आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आता है। एक्सरे और गामा रे पहले ही आयनोस्फेयर से बाहर हो गई, बाकी बच गया अल्ट्रावायलेट रे, विवियोर, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। ये अंदर आया, फिर यहाँ पे क्या हुआ, ओजोन लेयर आ गया। ओजोन लेयर तो इन तीनों को बाहर कर देगा, अल्ट्रावायलेट का जो बी और सी है उसको ये हटा देगा, डिसिपेशन कर देगा, हटा देगा, यहाँ से बाहर कर देगा, यहाँ से के अंदर मत जाओ। उसके बाद आपका आ जाएगा क्या, जो अंदर पहुँचेगा कौन, अल्ट्रावायलेट कौन सा, ए पहुँचेगा, बी सी बाहर हो गया, ए पहुँच जाएगा अंदर, विवियोर भी पहुँच जाएगा, इंफ्राडेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव भी सारे अंदर चले जाएंगे और धरती पर आ जाएंगे। यहाँ धरती पर टकराएगा और टकरा के इसको सरफेस क्या करेगा, जो रिफ्लेक्ट करेगा विवियोर को, विवियोर को अंदर नहीं जाने देगा। ये जो आपका लाइट है, लाइट रे है, जो विजुअल रे है, वो धरती के अंदर नहीं घुसता है, क्योंकि वो जानते ही हो कि रिफ्लेक्ट हो जाता है, वो धरती के अंदर नहीं घुसता, कोई भी सरफेस के अंदर नहीं घुस सकता है आपका विजुअल रे। तो अंदर कौन सा घुसता है, वह हीट, हीट जो करता है वो अल्ट्रावायलेट रे करता है, और विज्ञोर भी हीट करता है, ऊपर से टकरा के जा रहा है तो ऊपर को तो हीट करेगा, पर अंदर सिर्फ आपका अल्ट्रावायलेट रे ही जाता है मेन। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये जो रात को ये इमिट करना लगता है लॉन्ग वेव रेडिएशन, जो जितना एनर्जी लिया ये उतना एनर्जी तो ये निकालेगा नहीं, उससे कम ही एनर्जी निकालेगा। तो ज़्यादा एनर्जी वाले वेव को लिया है, कम एनर्जी वाले वेव को निकालेगा, जिसकी एनर्जी कम होती है उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, तो लॉन्ग वेव रेडिएशन निकलेगा। और यही लॉन्ग वेव रेडिएशन इंफ्रारेड होता है, क्योंकि उसका एनर्जी जैसे भी जब रे इसके पास आया उससे एनर्जी कम आएगा, एनर्जी कम गया यानी वेवलेंथ बढ़ गया, तो वो बढ़ने के बाद क्या बन जाएगा, वो इंफ्रारेड बन जाएगा। इंफ्रारेड बन के बाहर निकला, उसी से आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट हुआ, क्योंकि जितना एटमॉस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर है, वो उसको बाहर जाने नहीं देगा। एटमॉस्फेयर से बाहर आ तो गए हो, क्योंकि आए थे उस वक्त तुम बहुत पहलवान थे, उस पर चले गए, पर जाते वक्त तुम कमजोर हो, अब तुमको जाने नहीं देंगे। तो ये होता है फिनोमिना। सेम एज तुमने अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा होगा कि शीशे के अंदर हीट तो धूप तो चली आती है, पर हीट बाहर नहीं जा पाती है, कि हीट जो होता है उसके पास एनर्जी कम होती है, वो लॉन्ग वेव एनर्जी होता है, शॉर्ट वेव एनर्जी तो अंदर आ जाती है, लॉन्ग वेव एनर्जी बाहर नहीं जा पाती है, उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो शीशे को तोड़ सके, तोड़ के बाहर आ जा सके। बाकी ज़्यादा एनर्जी वालों को तो शीशे के अंदर घुसता हुआ चला आता है कि हटो, तुम कुछ नहीं कर सकते, मेरा मैं बहुत ताकतवर हूँ, तो डर के उसको रास्ता दे देता है, कमजोरों को हल्के धंसता है, ये भी तकलीफ पहुँचा रहा है गरीबों को, कमजोरों को। चलिए, तो आप लोग कमजोर लोग एक हो जाइए, सब लोग एक दूसरे की मदद कीजिए, आगे बढ़िए। थर्ड में चलते हैं, थर्ड है वाटर, एबायोटिक रीजन में जो हम लोग पढ़ रहे हैं इकोसिस्टम, उसके बायोटिक और अबायोटिक दो फैक्टर होते हैं। बायोटिक फैक्टर हम लोग देख चुके हैं, उसके जो इंट्रैक्शन उसको देख चुके हैं। अबायोटिक फैक्टर हम लोग देखे, जिसमें हम लोगों ने देखा सनलाइट को, उसके एटमॉस्फेयर को, अब हम लोग देखते हैं वाटर को। वाटर की बात करें तो आपका 97.5% तो आपका मरीन है, जो गंदा वाटर, समुद्री वाटर, खारा पानी। फ्रेश वाटर की बात करें तो सिर्फ वाटर का 3% ही फ्रेश वाटर है। अगर इसकी बात करें तो मरीन में समुद्री पानी है, उसमें 96.6% तो आपको ओशन में है, और 0.9% जो है साल्ट वाटर लेक एंड वेटलैंड में है। उसके बाद अगर फ्रेश वाटर की बात करें तो वो 1.156% तो ग्लेशियर, फॉरेस्ट, स्नो के रूप में चला गया। उसके बाद आपका 0.08% तो बताओ रिवर, पॉन्ड्स एंड लेक्स में है फ्रेश वाटर, और बचा 0.04% तो सॉइल के अंदर है, ग्राउंड वाटर है। यानी हर जगह दिक्कत ही दिक्कत है, बहुत तकलीफ है। वाटर की बात करें हैबिटेट के रूप में तो पॉन्ड में, तो पॉन्ड वाटर में जो हैबिटेट बदलते हैं वो हैं लेंटिक रिवर में है, लॉक्टिक बिटवीन रिवर एंड लैंड के बीच की बात करें, रिपेरियन सियाद बिटवीन रिवर एंड ओशन की बात करें तो स्टूरिंग एंड ऑलवेज फ्रॉम सी सरफेस तो लिट्रोरर। तो ये सब आपके हैं बहुत सारे जटिल जटिल नाम। ऑन द सी सरफेस की बात करें तो वह है निकिटिक
ये आपका दिखाया गया है एक, ये आपका लिट्रोरल जो आपको दिखाया गया है, इतना समझ पाए तो ठीक है, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है एक, इसको हम लोग देख लेते हैं, बताने क्यों इसको अच्छा लगता है यूपीएससी को, है कोरल और दूसरा है मैंग्रोव। ऐसे तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंस तो है, अच्छी चीज़ें हैं, बहुत ही हमारा भला करता है, पर दूसरे लोग नहीं पूछते हैं इतना क्वेश्चन जितना यूपीएससी से क्वेश्चन पूछता है कोरल से। तो देखते हैं कोरल को एक डिटेल में देख लेते हैं हम लोग क्या क्या कोरल में है ऐसा। तो दे आर कोलोरेटेड एनिमल लिव इन द स्केलेटन सीक्रेट बाय देम। तो कोरल भी एक जीव जंतु है। उसके बाद कोरल की बात करें, कोरल में भी सिंगल लिविंग सोलिटरी ऑन और इन कोलोनीज, द कोरोनर कोड ग्रो कंटिन्यूसली एंड द फॉर्म कोरल रीफ। तो एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट है कोरल रीफ के कारण, कोरल रीफ में आपको पढ़ाया जाता होगा, सबसे बड़ा कोरल रीफ के बारे में पूछा जाता होगा आपके लूसेंट बुक से, बहुत सारे क्वेश्चन आपका सीजीएल पूछता होगा कोरल रीफ के बारे में। तो कोरल से ही कोरल रीफ आए हैं। उसके बाद है इन सैलो वाउंड वाटर। कोरल रीफ की बात करें हम लोग तो क्या है ये, कोरल रीफ इज अ माउंड ऑफ लाइमस्टोन फाउंड इन अ सी हैबिटेट एंड फाउंड चीफली बाई स्टोनी कोरल रीफ और आर ऑफ थ्री टाइप के रीफ हैं कोरल रीफ। एक है फ्रिंगिंग रीफ फॉर्म नियर द शोर। उसके बाद बैरियर रीफ जिसमें ग्रेट बैरियर रीफ का नाम आपने सुना होगा, तो फॉर्म इन द सी सम डिस्टेंस फ्रॉम द शोर। उसके बाद अगर कोरल लिंगोन एटलोस आइसलैंड की बात करें, तो अ रीफ लाइक एक रिंग लाइक रीफ ऑकर अराउंड लैगून लंकेस लक्षद्वीप मालदीव एंड फिजी आइलैंड आर कोरल आइलैंड। तो ये कोरल आइलैंड ही है, पहले कोरल रीफ था, एक जीव जंतु था जिसका नाम कोरल था, इसके स्केल्टन इसमें रहता था, इसको हमने कोरल रीफ किया कहा, जो मरने के बाद उसका बना और इसके जमा होते होते एक ऐसा बन गया कि एक आइलैंड ही बन गया, जिसमें जो अगर आप लक्षद्वीप मालदीव फिजी वगैरह आइलैंड की बात करें तो वो कोरल आइलैंड ही है, वो कोरल के स्केल्टन पे ही बना हुआ है। The Great Barrier Reef is the world's largest reef system composed of over 2900 individual reefs and 900 islands stretching from over 2600 kilometers, yani ki 1600 miles over on area of approximately 344400 square kilometers, yani ki स्क्वायर मील की बात करें तो 133,000 स्क्वायर मील। द रीफ इज लोकेटेड इन द कोरल सी ऑफ द कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड इन नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया। ये ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में आपने पढ़ा होगा, जानते होंगे। एग्जांपल्स और भी हैं इसके, कोरल रीफ और हेलीपोरा के बारे में, हेलीपोरा ब्लू कोरल और कोलोरियम रूबी मोंगवा इज मोस्ट प्रिसाइज कोरल। इसके अलावा ये कोरल भी पढ़ना आपको इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है मैंग्रोव, ये आपका इंडिया में पाया जाता है, तो हम लोग इसको डिटेल में हम लोगों को पढ़ना है, डिटेल में मैंने लिस्ट भी बना दिया है। तो मैंग्रोव की बात करें, मैंग्रोव आर द वेरियस काइंड ऑफ ट्रीज अप टू मीडियम हाइट एंड स्ट्रैप्स दैट ग्रो इन सैंडी कोस्टल सेडिमेंट हैबिटेट इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। मैंग्रोव क्या होता है, एक पेड़ होता है, आपने तूफान आया होगा, आपने कई मूवी में देखे होंगे कि बहुत तेज तूफान आ रहा है और कुछ पेड़ हैं जो ऐसे झुके हुए पूरे हैं, तो टूट नहीं रहे हैं। तूफान नहीं तो तुमने सुनामी का नाम सुना होगा जो आया था, जो आपके तमिलनाडु वगैरह का इलाका और उधर श्रीलंका को तबाह कर दिया था, उस तूफान आया था सुनामी इंडिया में, तो तुमने कर्नाटक वगैरह का एरिया, तो उसमें आपने देखा होगा कि जब तूफान आता हुआ, वीडियो को सर्च करना और देखना, तो उसमें तूफान में एक पेड़ रहता है जो बहुत झुक जाता है पर टूटता कभी नहीं, पानी है चारों तरफ, बाढ़ है, सब कुछ है, पर एक पेड़ जन्मा हुआ है वहाँ पे, उसको कुछ नहीं हो रहा है, वो टूट क्यों नहीं रहा है, उसको पानी बहा के क्यों नहीं ले जा रही है, तोड़ क्यों नहीं रही है, यही मैंग्रोव का इंपॉर्टेंट है। ये आपका बाढ़ वगैरह को रोकता है क्योंकि टूटता नहीं है पेड़, और ऑब्वियसली अगर है तो कुछ ना कुछ पानी को तो रोकेगा ही, वो बहुत तेज धाराओं को धीमा कर देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के चारों कोरल, और ये पाया भी कहाँ जाता है, कोस्टल एरिया में पाया जाता है, तो बहुत अच्छी बात है,
इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि हमें बचाता है ये, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। तो मैंग्रोव वायोम और मंगल इज सैलिन वुडलैंड और सार्वलैंड कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिपोजिशनल कोस्टल एनवायरनमेंट वेयर फाइन सेडिमेंट्स ऑफ टेन विद हाई ऑर्गेनिक कंटेंट कलेक्ट इन द एरिया प्रोटेक्टेड फ्रॉम द हाई एनर्जी वेव एक्शन। ये वही वेव एक्शन है, समुद्री तूफान की बातें कर रहा है ये। मैंग्रोव स्वैप्स प्रोटेक्ट्स कोस्टल एरिया फ्रॉम इरोजन, इरोजन कटने से भी बचाता है, क्योंकि अगर पेड़ लगा है तो पानी मिट्टी को काटता ना रहेगा, काट करके समुद्र में लेके जाता रहेगा, तुम्हारा जमीन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, तो उसको भी बचाता है, उसकी जड़ें वहाँ पे है पेड़ रुपा हुआ समुद्री इलाकों में कोस्टल एरिया में, तो वो क्या करता है उस पेड़ उस मिट्टी को पकड़ के रखता है उसकी जड़ें। तो ये है आपको, तो यहाँ पे दिखाया भी स्टॉर्म्स स्पेशली ड्यूरिंग द हरिकेन्स एंड द सुनामी, तो सुनामी लिखता है लेकिन है सुनामी। उसके बाद बातें करें द मैंग्रोव्स मैसिव रूट सिस्टम्स आर इफिशियंट एट डिसिपेटिंग वेव एनर्जी, लाइक वाइज दे सो डॉन टाइड वाटर इनफ डेट इट्स सेडिमेंट्स इज डिपोजिटेड एज द टाइड कम्स इन लिविंग ऑल स्पेक्ट फाइन पार्टिकल्स इन दिस वे मैंग्रोव्स बिल्ड देयर वन एनवायरमेंट। द पिछावरम मैंग्रोव फॉरेस्ट नियर चिंदावरम, चिंदावरम जो है हमारा साउथ इंडिया में है चिदम्बरम, बाय द वे ऑफ बंगाल इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट। इंडिया में भी बहुत लंबे लंबे मैंग्रोव के फॉरेस्ट हैं जो बहुत ज़्यादा हमारी मदद करते हैं, वो मिट्टी को कटने से बचाते हैं, नहीं तो भारत की चारों तरफ पानी ही पानी है और वो पानी सब मिट्टी को गला गला कर ले जाती और समुद्र को भरती रहती और यहाँ से मिट्टी खत्म होता रहता, धरती गल गल के थोड़ा थोड़ा थमता जाता और इंडिया सब मिट्टी खत्म हो जाता। उसके बाद है मेजर मैंग्रोव लाइफ्स ऑन द अंडमान निकोबार द्वीप आइलैंड एंड द गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात, विटाकनिका मैंग्रोव, गोदावरी कृष्णा मैंग्रोव एंड मालदीव। देयर आर मैंग्रोव इज सर्टन मडी स्वैम्पी आइलैंड ऑफ द मालदीव। तो मैंग्रोव के बारे में बहुत सारी बातें हो गई। इसके बाद भी हमें हमारे लिए बहुत चीज पढ़ना है, क्या हम लोग इसे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग अगले लेसन के लिए इसको रखते हैं। इस लेसन में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। भाई चाहे मैं कितना भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बच्चा अभी तक एक रेटिंग नहीं आया है, इतने लोग 300 से ऊपर लोगों ने देख लिया वीडियो पर एक रेटिंग कोई नहीं दे रहा, क्यों भाई? अपना काम नहीं करते के साथ ही निकल लेते हो, इसी चक्कर में जाओगे तो वही हाल होगा जो करण का हुआ था, कितना भी पढ़ लो वो काम नहीं आएगा आपका एग्जाम में। तो आपसे आग्रह है कि भाई आप फॉलो तो मुझे करिए ही करिए, क्योंकि बिना फॉलो करे तो आपका काम ही नहीं चलेगा, तब वीडियो आ गया आपको पता भी नहीं चला, एग्जाम हो गया आप चले गए काम से निकल गए। तो वीडियो में ऐसे भी मैं अंतिम में डालता हूँ क्रैश कोर्स वाले वीडियो, अभी तो मैं डिटेल कोर्स बना रहा हूँ, एग्जाम के समय आपको साथ क्रैश कोर्स बनेगा, क्योंकि उस वक्त आप क्रैश कोर्स खोजोगे तो आपके कुछ एक घंटों में ही पूरा आपका सिलेबस का रिवीजन करा देगा, जितना भी जनरल स्टडी का पेपर है सबका स्टडी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का तो मैं पहले ही क्रैश कोर्स बना ही चुका हूँ जेसी के लिए, गिफ्ट के लिए भी वो है इम्पोर्टेंट, सारे फॉर्मूले वगैरह रिवीजन है उसमें जितने भी आते हैं। उसके बाद मैं अभी इस साल जनरल स्टडी का बनाऊंगा क्रैश कोर्स, फॉलो करोगे तभी पता चलेगा, क्योंकि एग्जाम के समय आप इतने बिजी रहते हो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आया कब निकल के आप एग्जाम में देने चले गए, पता चलेगा क्या एग्जाम में जितने क्वेश्चन आए हैं सारा मैंने ESC 2018 का पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व किया है, और उतना में से ही सोल्व किया जितना मैंने क्रैश कोर्स में बताया था। 5 घंटे का बस वीडियो है, 5 घंटे में पूरा साल भर का आपका कोर्स का रिविजन करा दिया है इंपॉर्टेंट चीज़ों, और उससे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं उतने से ही, और मैंने करके दिखाया भी है का सारा। मेरा जो यूट्यूब चैनल है ASK Azad मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसमें आप जाके देख सकते हो, उसमें से मैं सबसे पहला ही चैनल मेरा मिल जाएगा, उसमें मेरा फोटो वगैरह मिल जाएगा आपको, और उसमें देखोगे तो पता चल जाएगा आपको कि आप सारा का सारा मैंने बना रखा है पूरा 2018 का, तो मैं आइडिया भी लग जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे करना है, कैसे मैंने किया, कैसे आप करोगे, सारा चीज़ें उस कोर्स में बना हुआ है, तो जरूर जाके देखें आपको बहुत ज़्यादा आइडिया लगेगा। बाकी ये तो आपको देख ही रहे हो, इसको हम लोग आगे के लेसन में देखेंगे और डिटेल में। तो थैंक यू वेरी मच इस लेसन में,
इतना है, मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, रेटिंग दीजिए, अच्छा से अच्छा 5 रेटिंग दीजिए, शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए, रेटिंग दीजिए, रिव्यू दीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो हम लोग देख रहे थे हाँ इकोलॉजी इकोसिस्टम के बारे में, इकोसिस्टम का बायोटिक फैक्टर्स, उसके इंट्रैक्शन वगैरह हम पहले ही देख चुके हैं और कुछ लेसन से हम लोग देख रहे हैं अबायोटिक फैक्टर्स के बारे में, जिसमें हम लोग सनलाइट, उसके बाद एटमॉस्फेयर को देख चुके हैं, उसके बाद हम लोगों ने वाटर सिस्टम वगैरह को भी देख लिया है, एटमॉस्फेयर कैसे वर्क करता है वो सब देख चुके हैं, फिर वाटर सिस्टम को भी देख चुके हैं कि वाटर अबायोटिक फैक्टर है वो कैसे इकोसिस्टम को इफेक्ट करता है, उसमें क्या क्या टर्म्स है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मेनली हम लोगों ने यही देखा है। उसके बाद कुछ और टर्म्स इंपॉर्टेंट है जो बहुत ज़्यादा यूपीएससी में आता है, वो है कोरल, कोरल के बारे में बहुत सारी चीज़ें आती है, मैंग्रोव के बारे में आता है। आप स्लाइड पॉज करके इस चीज़ों को याद कर लीजिए, ध्यान में रखिएगा, कोई भी चीज़ें भूलिएगा मत, क्योंकि हर वक्त आता रहेगा, हर साल एक आध क्वेश्चन आ जाएगा और एक बार आएगा पूरा स्टेटमेंट तर के आ जाएगा कि आप उसमें कुछ भी नहीं कर पाओगे अगर आपको पता नहीं है तो। और सिविल सर्विसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिविल सर्विसेज में काफ़ी क्वेश्चन इनसे पूछा उन्होंने। उसके बाद हम लोग चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट अबायोटिक फैक्टर वो है सोल। सोल में क्या है, सोल ग्रीन्स की बात करें, ओ ए बी सी डी इस प्रकार बटे हुए हैं। अगर ओ की बात करें तो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जो ह्यूमस जिसको कहते हैं, जो आपका आपके पेड़ पौधों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, जो आप फसल उपजाते हैं तो उसके लिए ह्यूमस की जरूरत पड़ती है, तो वो आपके ऑर्गेनिक मटेरियल इश्यू होते हैं। उसके बाद आता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बी लेवल पे हैं। उसके बाद है वाटर अब्जॉर्प्शन प्लांट ग्रोथ, उसके बाद है ग्रेप्स, उसके बाद है बेड रॉक। अगर हम सॉइल डिग्रेडेशन और सॉइल कंजर्वेशन की बात करें, दोनों को कंपैरिजन एक ही साथ लेके चलें कि किससे हम लोग सॉइल का इरोजन होता है और किससे आपका सॉइल का कंजर्वेशन होता है, कि दोनों भाई एक ही चीज़ है, डिग्रेडेशन होगा तो उसके अपोजिट तो उसका कंजर्वेशन ही होगा। सबसे पहले सॉइल का डिग्रेडेशन किससे होता है, सॉइल इरोजन से। उसमें क्या है, सीट इरोजन, वेदरिंग ऑफ अपर लेयर ऑफ सोल बाय विंड और वाटर डेट इज एग्रीकल्चर रन ऑफ। तो ये सब आपका है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन बहुत सारे होते हैं, एक तो सीट इरोजन होता है, रिल इरोजन होता है और गैल इरोजन होता है। तो सीट इरोजन में सबसे ऊपरी सरफेस आपका चला जाए सॉइल का, वही ऊपरी सरफेस जो उपजाऊ होता है फसल उपजाने के लिए, वही सरफेस जो बह के चला जाए तो सबसे ज़्यादा दिक्कत उसी से है। जो कि जाता है किससे है, वह पानी पड़ता है या फिर हवा चलता है, उड़ा उड़ा कर ले जाता है उसको एक जगह से दूसरे जगह तक, डेली पानी पड़ता ही रहता है और डेली हवा चलती ही रहती है, थोड़ा थोड़ा उड़ा उड़ा कर ले जाएगा, सारा उड़ा ले जाएगा आपका, तो ये ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। उसके बाद है इरोजन, उसमें क्या होता है, इरोजन इन कैनल वन डीप फ्रॉम रील्स। उसके बाद सेकेंड है, थर्ड है गिली जो इरोजन है उसको डीप रिल्स जो कहते हैं, कैम्बल यूटीसी सब आता है। अगर हम आगे चले इसमें सॉइल डिग्रेडेशन में, तो सॉइल एसिडिफिकेशन भी हमारा एक दिक्कत है। एसिडिफिकेशन कैसे होता है, एसिड ड्रेन जो आप पढ़े हो, एसिड ड्रेन उससे होता है, एसिड ड्रेन इंपॉर्टेंट है, इसमें जानते हो कि SO2 CO2 जो निकलता है गैसेज, SO2 CO2 मेन है, NO2 भी कहते हैं, NO2 भी निकलता है बहुत कम है, पर ये भी जाके आपका HNO3 बना लेगा, जो SO2 है वो H2SO4 बना लेगा और कार्बनिक अम्ल SCO3 बनेगा। ये सब एसिड बन जाते हैं जाके, जो आप नीचे से निकालते हो वो ऊपर जाता है, पानी से मिलता है, एसिड बनाता है, वर्षा के रूप में गिरता है और जाके आपके ताजमहल को ख़राब कर देता है। ताजमहल को नहीं खराब करता है दोस्त, वो आपके सॉइल को भी एसिडिफिकेशन करता है, सिर्फ सॉइल को नहीं मरीन को भी करता है, यानी कि ओसे बगल के पानी, पौंड बगल के पानी सब में एसिड गिर जाता है और एसिड गिर जाएगा तो क्या होगा, उसका इकोसिस्टम नष्ट हो जाएगा। उसमें जो आपके बैक्टीरिया हैं या फिर जैसे सॉइल में गिर गया तो सॉइल का जितने भी आपके छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो पेड़ पौधा को बढ़ाने में काम करते हैं, जैसे आपको मैंने बताया था जो रैबोजोबियम है जो प्लांट में रहता है, दलहन के पौधों की जड़ों में रहता है, रोबोजोनियम है, नाइट्रोसोनम है, नाइट्रोबैक्टर है, ये सब सारे जो है बहुत सारे इस तरह की बैक्टीरिया होती है, तो नाइट्रोजन वाले सारे हैं जो नाइट्रोजन चक्र में आपने पढ़े थे, तो ये सब अगर एसिड गिर जाए तो वो मर जाएगा तो सॉइल गया काम से, फिर उसका कोई जी नहीं रह गया, तो फिर उपजाऊ हट जाता है, उपजाऊपन खत्म हो जाता है। माइक्रोऑर्गेनिज्म उसके उपजाऊपन के लिए जिम्मेदार, इसी प्रकार से अगर समुद्र में गिर गया
तो या फिर छोटे छोटे पौंड जो आपके हैं, तालाब हैं, उसमें मछलियाँ रहती है, बहुत सारे कीट पतंग रहते हैं, सब मर जाएंगे। एक मर गया तो ऐसे भी सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है, मछली खाता है कीड़े मकड़ों की, कीड़ा मकड़ा भी मर गया तो मछली ऐसे ही मर जाएगा भूखा भूखा। तो इस प्रकार से दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है, सब खत्म हो जाता है। उसके बाद आपका ताजमहल तो खत्म हो ही रहा है, एसीडेट के कारण ही, वहाँ से आपके जितने भी SO2 और CO2 की गाड़ियाँ थी, पॉल्यूशन फैलाती थी, सबको हटा दिया गया कि यहाँ पे एसिड ना पड़े। उसके बाद है आपका न्यूट्रिन रनफॉल, न्यूट्रिन को बहा बहा के ले जाता है, उसको कहते हैं न्यूट्रिन रनफॉल। उसके बाद सेलिनेशन है, उसके बाद डिजर्टिफिकेशन है, जो डिजर्ट में तब्दील हो जाता है, जैसे थार्मल स्तर बन गया। तो इस प्रकार से अगर बालू बालू आ गया, सारे उपजाऊपन खत्म हो गया, तो डिजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद वाटर लूपिंग है, उसके बाद ऑर्गेनिक सबस्टांस कमिंग फ्रॉम द म्यूनसिपल इंडस्ट्रियल वेस्टेज। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए भाई कि बहुत ज़्यादा आपका जो म्यूनसिपल वेस्टेज है जो आप निकालते हो आपके शहरों से आता है, और दूसरा इंडस्ट्री से बहुत सारे वेस्टेज आते हैं, ये भी आपके सॉइल को ख़राब कर देता है, उपजाऊ नहीं रहने देता। उपजाऊ भूमि पर कभी भी इंडस्ट्री का वेस्टेज मत आना जाना, वो केमिकल्स उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद आप बेदरिंग एंड न्यूट्रिएंट लीचिंग, इसके कारण भी आपका सॉइल खराब होगा। उसके बाद है बेसिक ऑफ एक्युमुलेशन, तो बहुत सारे रीजंस हैं जो सॉइल को डिग्रेड करते हैं, उसको ख़राब कर देते हैं, उपजाऊ नहीं रहने देते। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन की बात करें, कैसे सॉइल को बचाना है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है फॉरेस्टेशन, पेड़ पौधे रोपिए, सब लोग यही कहता है, हम भी यही कह रहे हैं, यही पढ़ना भी आप लोगों को है कि सॉइल को बचाइए, सॉइल कंजर्व कीजिए, तो आपको पेड़ पौधे लगाने होंगे भैया। तो पेड़ पौधे आपने लगा लिए, उसमें है एफोरेस्टेशन या अनप्लांट, रिफॉरेस्टेशन, प्लांट। एक तो है कि भाई पहला तो फॉरेस्टेशन क्या कर सकते हैं आप, कि एक तो है दोबारा पेड़ पौधे लगाइए, फिर से लगाइए और लगाइए। दूसरा है कि भाई आप जो पेड़ पौधे लगे उसको ही बचाइए। उसके बाद है क्रॉप रोटेशन, कि आप क्रॉप को अगर मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखना चाहते हैं तो आपको कहते हैं फसल चक्र लगा चलाइए, फसलों को बदल बदल के लगाइए, एक ही फसल को, एक ही पेड़ पौधे को मत रोपिए। पेड़ पौधा भी रोकने से ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूट्रिएंट्स बढ़ता है, घटता भी है। एक ही पेड़ पौधा को रोपोगे तो एक तरह का न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाएगा, पर दूसरे तरह का न्यूट्रिएंट को चूस लेगा वो, भाई वहाँ पर भी तो वो चूस रहा है ना, वो भी तो सोलह खाना चाहिए, तो सॉइल से खाना ले रहा है, ज़्यादा खा लेगा तो गया काम से सॉइल। तो उसको क्या 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 करेंगे हम लोग, जो फसल है उसको रोटेट करेंगे, क्रॉप रोटेशन अपनाएंगे, एक फसल के बाद दूसरा फसल रोपेंगे, दूसरा फसल जब आएगा तो वो फिर उस न्यूट्रिएंट्स को जो है जो उसने दूसरे ने खा लिया था उसको फिर से वो लाएगा उसमें। तो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं ये। उसके बाद मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिला मिला के रोपिए, एक साथ दो तीन तरह के चीज़ें रोपिए, एक खाएगा तो दूसरा देगा। तो इस प्रकार से मिक्स क्रॉपिंग भी कर सकते हैं, मोर देन वन टाइप्स ऑफ क्रॉप्स फिलिंग इन अ सेशन। उसके बाद ये क्रॉप रोटेशन में लेगुमिनेस एंड अदर क्रॉप इनटू सेशन, अलग अलग सेशन में अलग अलग पौधे रोपने चाहिए। स्ट्रिप क्रॉपिंग, क्रॉपिंग इन अ डिफरेंट स्ट्रिप्स ऑफ द डिफरेंट क्रॉप, एक एक स्ट्रिप में एक तरह का पौधा, दूसरे स्ट्रिप में दूसरे तरह का पौधा, तो ये क्या करेगा आपस में जो मैं जमीन में कुछ देगा ये जमीन से उधर से लेगा। उसके बाद डीप पॉडिंग एंड एरिएशन, उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बाद मैं पहले ही बता चुका हूँ पीछे के लेसन्स में, ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडिया में बहुत आ रहा है, सिक्किम वगैरह में आया, पूरी तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, वहाँ केमिकल्स वगैरह इस्तेमाल नहीं होते। तो इंडिया में भी धीरे 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 कुछ कुछ चीज़ें हो रही है, कुछ लोग तो पॉलिटिक्स ही बदमाश है, ऑर्गेनिक फार्मिंग आ जाएगा तो सारे केमिकल्स बिकेंगे नहीं, तो उसके लिए वो लोग भी कंपनी लोग बेचारा बंद हो जाएगा, तो लोग बदमाशी करता रहता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत आ रहा है धीरे धीरे, आप भी लाइए अपने घर में ऑर्गेनिक फार्मिंग। काउंटर बिल्डिंग टेररिस फेयरिंग, मुल्चिंग, मुल्चिंग है प्रिवेंशन ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशंस, जैमिंग इम्प्रूवमेंट इन इरीगेशन लाइक ड्रिप इरीगेशन। तो बहुत सारी चीज़ें हर के बारे में बताने लगा तब तो हो गया, अगर आपके पास समय है तो उसको गूगल करके आप पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि लिस्ट तो दे ही दिया मैंने, कम से कम टॉपिक इंपॉर्टेंट तो बता ही दिया, लोग तो इसी में चक्कर में परेशान है कि कुछ बताइए सर क्या पढ़ना है, तो टॉपिक से कम से कम बता ही दिया मैंने। अब सबको मैं एक्सप्लेन करने लगूँगा तो उतना इंपॉर्टेंट जो है उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बाकी आप सर्च करके तो पढ़ सकते हैं, लिस्ट आउट मैंने कर दिया है। टेम्परेचर की बात करें तो एबायोटिक रीजन में टेम्परेचर भी आता है, जो कि एबायोटिक फैक्टर है आपका, किसका, आपके इकोसिस्टम का। टेम्परेचर में क्या है, पोलर का टेम्परेचर अलग होता है, सब पोलर का अलग होता है,
टेम्परेचर और ट्रॉपिकल रीजन का टेम्परेचर अलग होता है। तो ये है आपके, उसके बाद टेम्परेचर तो याद ऐसे भी नहीं रख पाओगे, फिर भी आपके एक आइडिया के लिए टेम्परेचर लिखा हुआ है आपके सामने। उसके बाद है कोल्ड ब्लड ऑर्गेनिज्म और पोपकिनोटर्म्स। तो दो प्रकार के भी बहुत पूछा जाता है, पैसे पता नहीं क्यों पूछता है। उसमें पूछता है कोल्ड ब्लड ऑर्गेनिज्म यानी कोल्ड ब्लड एनिमल्स कुछ होते हैं, कुछ हॉट ब्लड या वार्म ब्लड ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऐसे हॉट ब्लड कैसे पता चलेगा, जिसको छू और जो गर्म लगेगा जो इंसान वो हॉट ब्लड ऑर्गेनिज्म है। जैसे इंसान, इंसानों को छूओ, मैमल्स को छूओ, जानवर को छूओ, गाय हाथी इसे कुछ हो गर्म लगेगा, वो गर्म महसूस होगा आपको। और कुछ चीज़ें हैं जो ठंडा लगेगा आपको छूने पर, जैसे स्नैक्स, स्नैक्स को पकड़ो, फॉक्स को पकड़ो, या आपको डायनासोर्स भी ठंडा था, इसका कोल्ड ब्लड है। तो कोल्ड ब्लड जैसा होता नहीं, आपको जो छू छू को देखते उसका टेम्परेचर थोड़ा कम होता है एटमोसफेयर से हल्का सा, तो आपको थोड़ा सा ठंडा लगता है, आपसे ठंडा होता है एक्चुअली, वो ठंडा लगता है। हाइबिटेड और विंटर स्लीप, ये हाइबिटेड और हाइब्रेशन एंड विंटर स्लिप में, ये फ्रॉग वगैरह है जो विंटर स्लिप में चला जाता है, विंटर में स्लिप में चला जाता है। एक समर स्लिप होता है जो जैसे पोलर भालू, ये पोल पर ठंडा में रहता है, गर्मी आएगा तो ये आपको स्लिप में चल जाएगा, इसको कहते हैं एसिटिवेशन और इसको कहते हैं हाइब्रेशन। तो ठंडा में चल जाए सोने उसको फ्रॉग वगैरह, उसको हाइब्रेशन कहते हैं, एसिटिवेशन कहते हैं जो आपको ठंडा में सॉरी गर्मी में सोने चल जाए। तो ये सब दोनों टर्म्स है, दो तीन टर्म्स, इसको याद रखिएगा आप हर हाल में। ये ज़्यादा जो एग्जाम्पल्स है वो भी इंपॉर्टेंट है, और इससे ज़्यादा एग्जाम्पल्स भी आप देख सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा भी वो आपका अक्सर आपने क्यों नहीं बताया ज़्यादा, भाई मैं जितना बता दूँ उससे एक्स्ट्रा पूछ लेंगे, उसमें क्या है, कितना भी मैं बता दूंगा उससे एक्स्ट्रा पूछ लेंगे, एग्जाम्पल्स जितना भी लिख दूंगा यहाँ से या दो पेज भर दूंगा उससे भी अलग पूछ लेंगे, पर मैं पूरा का पूरा तो लिस्ट आउट नहीं कर सकता। तो जितना कम लिखो उतना अच्छा है, क्योंकि वो तो भी तो देखते हैं कि वीडियो की कौन क्या पढ़ा रहा है, उससे मैं अलग पूछूंगा। तो उससे बेहतर है कि मैं ज़्यादा ना लिखूं, कम लिखूंगा, कम ही पूछेंगे वो, तो ज़्यादा आप देख सकते हो सच वगैरह इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने लिख दिया है जो इंपॉर्टेंट है जिसको पूछना चाहिए उसको। इसके अलावा भी अगर आप सर्च वर्च करके देख सकते हैं कोल्ड ब्लड लिस्ट ही आ जाएगा। चलिए, मैं हूँ और ये मेरा यूट्यूब का चैनल है। मैं यूट्यूब का चैनल क्यों बता रहा हूँ और क्यों कह रहा हूँ आपको सब्सक्राइब करने के लिए बार बार, क्योंकि यहाँ पे जो भी जनरल स्टडी के और भी पेपर्स हैं पहले से ही पब्लिश्ड हैं। यहाँ तो मैं पब्लिश कर रहा हूँ, इतनी मेहनत से बना रहा हूँ, एक एक करके बनेगा फिर आप तक पहुँचेगा। पहले से जो बना हुआ है जैसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स गेट ईएससी कुछ भी दे रहे हैं आप, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इसरो का एग्जाम भी आता है, बार के भी एग्जाम आता है, हर जगह ये आता है, तो इसको पढ़ लीजिए वहाँ पे जाके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। उसका बेसिक्स ऑफ मटेरियल साइंस ये भी आपको ईएससी जनरल स्टडी का ही पेपर है, तो वो पहले ही बना हुआ है, बन के तैयार है। उसके बाद नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, ये आपका जो पढ़ा रहा हूँ उसमें भी एनर्जी पार्ट आता है, उसमें भी ये बहुत बड़ा कोर्स बनाया है मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ये टेक्निकल में भी जो नया करेक्शन हुआ, नया सिलेबस आया, उसमें भी ये ऐड है, तो वहाँ पर भी के लिए भी पढ़ना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं रीजनिंग एप्टीट्यूड गेट, कोई भी एग्जाम है गेट हो ये सी में भी है, हर जगह ये आता है। रीजनिंग एप्टीट्यूड बहुत ही अच्छे से बनाया गया है, बहुत ही शॉर्ट में, स्पेशल फॉर इंजीनियर्स, के इंजीनियर्स का मैथमेटिक्स ऐसे ही स्ट्रॉन्ग होता है, तो उनको बहुत ही शॉर्ट में भी पढ़ने से ज़्यादा जरूरी है कम से कम समय में पढ़ना, क्योंकि आपके पास समय नहीं, आपकी उम्र निकलती जा रही है, आपकी गर्लफ्रेंड की शादी लगी हुई है, उसकी शादी हो जाएगी तो चार दिन में अगर फिर नौकरी नहीं लगी तो ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा जरूरी है कि भाई जल्दी जल्दी कम से कम, क्योंकि बहुत सारी चीज़ आप जानते हैं तो फास्ट निकलना बहुत जरूरी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनी हुई है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूरा क्रैश कोर्स बना हुआ है। यहाँ पे एक और जनरल स्टडी का पेपर बना हुआ है, वो है जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन ड्राइंग्स इंपॉर्टेंट और सेफ्टी, ये पूरा डिटेल में यहाँ पे बन के पहले से ही तैयार है, तो मेरे इंतजार में मत रहिए कि सर बनाएंगे उसको देखेंगे, पहले से बहुत सारी चीज़ें बन के तैयार है तो वो देखिए आप। थैंक यू वेरी मच, इस लेसन में इतना ही था। तो जिस प्रकार से आप मेरे कोर्सेज से सीख रहे हैं उसी प्रकार से मैं आपके रिव्यू से सीखता हूँ, तो बताइए भाई ये कैसा लगा, क्या लगा, क्या आपको और चाहिए, क्या मुझे बनाना चाहिए, सब रिव्यू में डालिए आप। उसके बाद यहाँ पर रिव्यू दीजिए, यहाँ पर रेटिंग दीजिए, कितना 5 रेटिंग तक दीजिए आप मुझे। उसके बाद रिकमेंड कीजिए लेसन्स को, कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और शेयर कीजिए ट्विटर फेसबुक व्हाट्सएप जहाँ पर भी हैं आप इसको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, यही आपका गुरुदक्षिणा है, इसके बिना आपकी पढ़ाई सफल नहीं होने वाली बिना गुरुदक्षिणा के, ये आप जानते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आपका दिन शुभ हो। तो कैसे हैं दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर रवि और हम लोग
इस लेसन में देखेंगे पॉल्यूशन के बारे में। ऐसे तो पढ़ने के लिए बहुत है आपका पॉल्यूशन में भी, और इससे पहले जो आप पढ़ रहे थे इकोसिस्टम उसमें भी पूरी की पूरी बुक है पूरा एनवायरनमेंट पढ़ने के लिए। पर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देख रहे हैं जो कि एग्जाम से पूछा जाता रहा है, यूपीएससी ने पूछा है किसी न किसी एग्जाम में, सब चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं, सबको समराइज कर रहा हूँ मैं। तो पॉल्यूशन में आते हैं बहुत सारी चीज़ें, इकोलॉजी में अब नहीं पढ़ेंगे हम लोग, पॉल्यूशन में आते हैं। पॉल्यूशन के बारे में आप जानते हैं, पॉल्यूशन को भी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और हर ब्रांच के लिए इम्पॉर्टेंट भी है, अपने कॉलेज में भी पढ़ा होगा पॉल्यूशन। तो इट इज अनडिजरेबल स्टेट ऑफ चेंज इन द स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सराउंडिंग पर्टिकुलरली इन द एयर वाटर सॉइल विच हैज इन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। यही है आपका पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या है कि आपके इन्वायरमेंट में खास करके वाटर सॉइल और ETC में एयर में, इसमें यदि अनडिजरेबल चेंजेज आ जाता है, कुछ ऐसा चेंजेज जो आपको आपको नहीं चाहिए जो अनडिजरेबल है और उसका ह्यूमन पे गलत असर पड़ता है, तो हम कहते हैं उसको पॉल्यूशन। अब आते हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की बात करते हैं, तो इसमें सोर्स और फैक्टर की बात करते हैं पॉल्यूटेंट, इसको हम पॉल्यूटेंट कहते हैं। तो पॉल्यूटेंट दो प्रकार के हो सकते हैं, एक मोबाइल एक स्टेशनरी। मोबाइल पॉल्यूटेंट कौन कौन से हैं जो है, पॉइंट सोर्स, एरिया सोर्स, और स्टेशनरी में भी पॉइंट सोर्स और एरिया सोर्स में हम कैटेगराइज करते हैं। पॉल्यूटेंट में आगे चलते हैं तो पॉल्यूटेंट होता है एक डिग्रेडेबल होता है, एक नॉन डिग्रेडेबल होता है। डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट क्या होता है, जैसे डोमेस्टिक बेस्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस डिग्रेडेबल है, इससे पॉल्यूशन तो होता है जैसे सॉइल में डाल दिए तो इससे पॉल्यूशन तो होता है पर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। पर कुछ नॉन डिग्रेडेबल भी है जैसे प्लास्टिक, ये पॉल्यूटेंट भी है और ये कभी खत्म भी नहीं होगा, तो ये जिंदगी भर रहेगा ये पॉल्यूटेंट, इसका बचाव कुछ नहीं हो सकता है, उसको हटा के निकाल के बाहर करना ही पड़ेगा। उसके बाद है पॉल्यूटेंट की बात करें तो पॉल्यूटेंट को और भी दो प्रकार से बांटा गया है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होता है, कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स, वो डायरेक्ट सोर्स से आपको उसी फॉर्म में मिल जाता है वो पॉल्यूटेंट कहलाते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट। सेकेंडरी फॉर्म फ्रॉम द प्राइमरी पॉल्यूटेंट, ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट से बनता है ये जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है वो। अगर हम एबी की बात करें तो सिंथेटिक इफेक्ट की बात करें तो मोर पॉल्यूटेंट देन प्राइमरी, तो प्राइमरी से ज़्यादा ही ये पॉल्यूटेंट इफेक्टिव है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं पॉल्यूटेंट का, तो हम लोग किस्सा कहानी कर लिया, उसके बाद एयर पॉल्यूशन की बात साथ पास चलते हैं जो कि पूछा जाए क्वेश्चन, ये सब तो बस समझने के लिए ऐसे ही था कुछ कुछ कहानी, जो कि आप जाने ना जाने ऐसे भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाने वाला है, कुछ कुछ पूछ ले कि नॉन डिग्रेडेबल है कि नहीं प्लास्टिक, तो बच्चा बच्चा बता ही देगा। अब एयर पॉल्यूशन के पास डायरेक्ट आते हैं, एयर पॉल्यूशन में हमको सबसे पहले पढ़ना है सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या है ये, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड परेशान करता है जिसको हम SO2 कहते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड सोर्स क्या है इसके, सल्फर डाइऑक्साइड के बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कोल एंड पेट्रोलियम। कोल और पेट्रोलियम में सल्फर होता है जो जलकर आपको सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, यानी कि आपको जो धुआं निकलता है आपकी गाड़ी से उसमें भी SO2 होता है, और यही SO2 तो एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार है, यही इसलिए तो गाड़ी को हटाया जाता है कि नहीं गाड़ी नहीं चलाओ, और ये जरूरी है सल्फर रखना, सल्फर को हटाया नहीं जा सकता है उससे, जो फॉसिल फ्यूल है कोयला वगैरह जलाते हो आप, पेट्रोलियम वगैरह जलाते हो, पेट्रोल डीजल कुछ भी जलाते हो, सबसे निकलता है SO2। उसके बाद थर्मल पावर प्लांट से भी SO2 निकलता है। उसके बाद स्मेल्टिंग ऑफ मेटल, जो Fe और कॉपर ये सब जो मटेरियल बन रहा है, इसमें चूंकि जानते हो कि FeS, CuS, कॉपर सल्फाइड इससे पेटर में ओर्स रहता है, उससे आपको बनाना है मेटल, तो वहाँ से तो सल्फर निकलेगा ही निकलेगा, सल्फर जाएगा कहाँ, कुछ ना कुछ तो SO2 के रूप में तुम छोड़ोगे। उसके बाद वोल्केनिक गैस, अगर आपका वो ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो वहाँ से तो SO2 निकलेगा ही, उसको तुम रोक नहीं सकते, वहाँ सल्फर है SO2 निकलेगा, उसको कुछ नहीं किया जा सकता, निकलेगा ही निकलेगा। इम्पैक्ट क्या होता है, ह्यूमन स्किन एंड आई इरिटेशन, तो ये ह्यूमन स्किन को भी इफेक्ट करता है SO2। उसके बाद आपकी आँखों को भी परेशान करता है, धुआं में जाओ गाड़ी का धुआं निकलता है उसमें देखो आपका क्या हालत है, तो इसमें भी दिक्कत करता है। उसके बाद प्लांट्स की बात करें तो डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसका सबसे बड़ा SO2 का है, जो कि CO2 वगैरह नहीं करता या CO वगैरह नहीं करता है, और CO2 ये बहुत ज़्यादा परेशानी करता है, वो है क्लोरोफिल को ही नष्ट कर देता है, प्लांट तो गया काम से, यानी कि अगर SO2 को प्लांट पर चलाया जाए तो प्लांट मुरझा जाएगा, जैसे मुरझाना कहते हो ना वही हो जाएगा उसका। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक स्पॉट ऑन लीव्स इज कॉल्ड क्लोरोफिल फिक्स ऑफ प्लांट,
तो क्लोरोसिस ऑफ प्लांट कहलाता है। तो वही के कारण होता है, क्लोरोफिल खत्म हो जा रहा है उसका, तो उसमें एक ब्लैक स्पॉट बनने लगता है। अगर देखो तो समझो कि SO2 का रीजन है जहाँ पे धुआं अगर बार बार उठता रहे, पेड़ पौधा खत्म हो जाता है वहाँ से, तो वहाँ पे CO2 से इफेक्ट नहीं कर रहा है। वहाँ पे इफेक्ट कौन कर रहा है, वहाँ पे आपका SO2 जो निकल रहा है आपको कोयला वगैरह जलाने से, पेट्रोलियम जलाने से, वो उसको खत्म कर दे रहा है। नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करते हैं, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है फॉसिल फ्यूल, जनरली फॉसिल फ्यूल से जलने से निकलता है, यानी कि ये भी निकलेगा आपको कहाँ से, आपको निकलेगा गाड़ी वगैरह चला रहे हो आप तो NO2 भी निकलता है वहाँ से, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी निकलता है वहाँ से। इम्पैक्ट क्या है ह्यूमन पे, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, स्किन इरिटेशन उसका प्लांट पे, प्रीमैच्योर डेथ ऑफ द प्लांट ऑल्सो कॉल्ड एज ए निक्रोसिस डिफॉलेशंस ऑफ प्लांट। देखो नाइट्रोजन ऑक्साइड का आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, UPSC बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, क्यों, क्योंकि इसका एक और चीज़ है वो मेंशन नहीं है यहाँ पे, पर उसको मैं बता देता हूँ, उसको नोट कर लीजिए, वो है फोटोकेमिकल स्मॉग, SMOG, फोटोकेमिकल स्मॉग। ये फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होता है, तो ये प्राइमरी कॉज उसका NOx, नॉक्स ही है, नॉक्स में सबसे ज़्यादा ये NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसमें क्या करता है पर ये आप अगर बात करो तो ऐसे तो NOx जो जिम्मेदार है, पर वो डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करता, आपको नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो किस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है, तो ये अगर सनलाइट में आ गया NO2 को ये अगर एनर्जी मिल गया, HMU मिल गया, यानी कि एनर्जी ऑफ सनलाइट मिल गया, तो ये बन जाएगा, टूट जाएगा ये NO और O में टूट जाएगा, इसमें NO और O में, O मतलब नवजात ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, और प्लस स्मोक तो बनाएगा ही बनाएगा। अब ये O जो टूटा है, ये O जो आपके एटमोसफेयर में O2 है उससे रिएक्शन करके O3 बना लेगा। अब लोग खुश हो जाएंगे, ओजोन बन रहा है, ओजोन बन रहा है। भाई ओजोन जो है ये वहाँ पे ओजोन लेयर में रहे तो ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वो सनलाइट को, अल्ट्रावायलेट रे को रोकता है, पर ये जो यदि आपके पास बन जाए O3, तो एक ग्राउंड लेवल ओजोन है जो हार्मफुल है लंग्स के लिए, बायोलॉजिकल टिश्यूज के लिए, इसको हम लोग ये O3 जो बन रहा है इसी को हम ट्रोपोस्फेयर ओजोन कहते हैं, ये आपके लंग्स, आपके बायोलॉजिकल टिश्यूज इसके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, तो ये आपको नुकसान पहुँचाता है, फोटोकेमिकल स्मॉग बना रहा है जो आपको नुकसान पहुंचाएगा। और ये इम्पॉर्टेंट है, इसको एकदम नोट लिख के लिख लो, ये अगर मैकेनिकल इंजीनियर हो आप और आपको तो पढ़ना है क्या, पावर प्लांट भी पढ़ना, पावर प्लांट में तो कम ये यूज होता है फोटोकेमिकल स्मॉग, सबसे ज़्यादा आपको वो इंटरनल कंबर्जन इंजन IC इंजन जिसे कहते हो IC इंजन, उसमें बहुत पढ़ना है। मैंने IC इंजन का कोर्स पूरा कम्प्लीट बना रखा है, वो मेरे YouTube चैनल पे है, तो वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी मैंने इस चीज़ को समझाया है, वहाँ पे बना हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया था, पर फिर भी आपको मैंने बता दिया कि कुछ लोग जो मैकेनिकल के नहीं है वो तो देखने जाएंगे नहीं IC इंजन का कोर्स। IC इंजन में पोल्यूटेंट का एक अलग से ही चैप्टर बना हुआ है, होता ही है, तो उसमें आपको दोनों जगह पढ़ना है, इसलिए इसको एकदम धीरे दिमाग में बसा लीजिए, दोनों पेपर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला है फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में। और बहुत ज़्यादा आपको आइडिया भी नहीं होगा, बचपन में पढ़ा भी नहीं होगा फोटोकेमिकल स्मोक, हर चार CO2 वगैरह को तो अपने एकदम पढ़ के रख रखा है, पर यहाँ पे नहीं पढ़ा है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, इतना चीज़ें पढ़ लिया तो वो है एसिड रेन, जो कि मैं बहुत देर से बता रहा हूँ। एसिड रेन में जो आपने SO2 नॉक्स निकाला है वो क्या जाएगा, नॉक्स जो है वो जाएगा वाटर वेपर से रिएक्शन करेगा और एसिड रेन बनाएगा, एसिड बना लेगा। एसिड कौन सा बनेगा, H2SO4 और HNO3। CO2 भी बनाता है लेकिन पर वो बहुत ही वीक एसिड होता है, कार्बोनिक अम्ल, तो वो उसका हम लोग इफेक्ट नहीं देखते हैं, जनरली ये दोनों हम लोगों को ज़्यादा इफेक्ट करता है H2SO4 HNO3। ठीक है, रेनफॉल में स्लाइटली एसिड आता है, उसमें 6.4 ये pH लेवल है, 6.4 से 6.8 तक pH लेवल। अगर जनरली तो भाई एसिड जो फॉल, मतलब जनरली जो रेनफॉल होता है उसमें भी मतलब एसिडिक ही होता है, वो भी एसिडिक ही होता है, पर उसका एसिडिक लेवल बहुत कम होता है, 6.4 से 6.8 ही तक होता है। पर एसिड रेन कब कहलाएगा वो, यदि pH वैल्यू 5.6 से कम हो जाए तो वो आपका एसिडिक रेन कहलाता है। सल्फर सोर्स की बात करें, सल्फर सोर्स की तो ये सल्फर सावर क्या है, सल्फर सावर इज अ फिनोमेना रिलेटेड टू द रिप्रोडक्शन और पॉलिनेशन इन पाइन ट्री। पाइन आर द नेक्स्ट सीड बियरिंग प्लांट बिलोंगिंग टू द ग्रुप साइमोसल्फर। तो इसके बारे में आपको यहाँ पे दिखाया गया है बनाकर। नेक्स्ट इम्पैक्ट ऑफ एसिड रेन जो इम्पोर्टेंट है आपका, कि एसिड रेन से क्या क्या दिक्कतें आती है,
तो डैमेज ऑफ क्लोरोफिल मैंने बता ही चुका हूँ, पेड़ पौधे का क्लोरोफिल ही खत्म हो जाता है। उसके बाद स्किन इरेशंस एंड लॉज ऑफ हेयर्स, आपके हेयर जो गिर रहे हैं बच्चों के, जो बच्चे कम उम्र में बूढ़े हो जा रहे हैं तो उनका यही दिक्कत है जो एसिड रेन इसके लिए जिम्मेदार होता है। उसके बाद डीकलरेशन ऑफ द पेंट, अगर पेंट का डीकलरेशन हो रहा है समझ लीजिए कि एसिड रेन कहीं पड़ रहा है, जो छुड़ा रहता है बाहर उसका देखते हैं पेंट धीरे धीरे खराब होने लगता है। कुछ चीज़ें जो एटमोसफेयर में रखा हुआ जो पानी पड़ रहा है वो खराब होने लगता है पानी गिरने से, पानी गिरने से खराब हो रहा है यानी कि एसिड के कारण ही खराब हो रहा है। ये लॉइंग अप ऑफ मार्बल्स, यही आपका ताजमहल को दिक्कत आ रहा है इसी कारण। एलोइंग ऑफ द मार्बल येलो पड़ने लगता है, पीला पड़ने लगता है। मेटल रस्टिंग एंड इरोजन, ऑब्वियस ही बात है उसमें एसिड है तो इरोजन तो करेगा ही, एक्शन वगैरह करेगा मेटल से, मेटल को खराब कर देगा, पानी में लॉस छोड़िएगा तो उसका एसिड गांड भी दिक्कत आने लगता है। लॉस ऑफ पेंट ओवर द आयरन ब्रिजेज, तो आयरन ब्रिजेज जो है आपका वहाँ पे जो लोहे का ब्रिज है उसका पेंटिंग किया जाता है जाके जंग ना लगे, तो वो पेंटिंग इसी कारण खराब होता है आपका एसिडन के कारण। एक्सेस ब्लीचिंग ऑफ द टेक्सटाइल्स, टेक्सटाइल्स का ब्लीचिंग, एक्सेस ब्लीचिंग जो हो रहा है वो एसिडन उसका रीजन है। उसके बाद है इंक्रीज इन द सॉइल एसिडिटी एंड लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी ईटीसी, तो सॉइल में एसिडिटी हो जाता है उसका फिर प्रोडक्शन लॉस हो जाता है यानी कि आपका सॉइल उर्वरता खत्म हो जाती है, भूसर हो जाता है और उसका उपज खत्म हो जाता है और गया काम से, फिर आपको किसान खाना कहाँ से खाओगे, तो ऐसी ड्रेन से ये सब दिखते हैं। तो चलिए इस लेसन में इतना ही था, आगे के लेसन में हम लोग मिथेन, CO2, उसके बाद आर्सेनिक एसिडिफिकेशन, अर्बन हीट, आइलैंड, CO, क्लोरो फ्लोरोकार्बन, ये सारे चीज़ें क्या क्या पॉल्यूशन देता है करता है, उन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे अगले लेसन में। इस लेसन में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। आपसे आग्रह है कि मुझे फॉलो करें यदि आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया, रिकमेंड करें, रेटिंग दें, रिव्यू दें, अधिक से अधिक शेयर करें, लोगों को बताएं, दोस्तों को बताएं, सहेलियों को बताएं, गर्लफ्रेंड को बताएं, सबको बताएं, सब मिल बैठ के पढ़ें, दोस्तों के साथ मिलकर बैठ के पढ़ें और आगे बढ़ें, जल्दी से जल्दी नौकरी लें, नहीं तो सब ऐसे ही रह जाओगे और आपकी गर्लफ्रेंड की शादी हो जाएगी। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं हूँ इंजीनियर रवि और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे बेसिक एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, जो कि ESC इंजीनियरिंग सर्विसिंग एग्जाम का जो 10 टॉपिक्स हैं जनरल स्टडी के, उसमें इसके एक टॉपिक है। तो हम लोग पहुँचे हैं पॉल्यूशन तक, इससे पहले हम लोगों ने इको सिस्टम वगैरह देख रखा था, तो पॉल्यूशन पर हम पहुँचे हैं। तो एयर पॉल्यूशन हम लोगों ने स्टार्ट किया देखना, तो एयर पॉल्यूशन में हमने बहुत सारी चीज़ देख लिया, एसिडन देख लिया, एसओ टू के बारे में देख लिया, एनओ टू का इफेक्ट देख लिया, एसिडन को देख लिया, उसके फोटो केमिकल स्मोक को भी मैंने चैनल बता दिया है। उसके बाद हम मीथेन का इफेक्ट देखते हैं इस लेसन में। मीथेन क्या है, इसका सोर्स और इम्पैक्ट, इम्पैक्ट तो आप जानते ही हो लगभग कि ग्रीन हाउस गैस है ये, जो मैं पहले बता चुका हूँ गैस और ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, तो ऑब्वियसली ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग एक ही चीज़ है दोनों। तो उसके बाद इसका सोर्स कौन कौन सा है, कुछ लोग सोर्स आप जानते हैं, कुछ लोग कुछ नहीं जानते हैं, तो सारे सोर्स मैं बता देता हूँ। सबसे पहले कोल माइंस, तो कोयला खादान है वहाँ से निकलता है जो है वो मीथेन निकलता है, तो वहाँ पे मास्क पहन के जाना पड़ेगा आपको, अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल है, आग लग गया जल जाएगा सब चीज़। कोल माइनिंग की बात करें, कोल माइंस की बात करें तो हर जगह आपका मीथेन निकलता है। अर्बन डंपफिल्स, तो यही से तो आप बनाते हो जो बायोगैस बनाते हो, तो ये अर्बन डंपफिल्स से तो बनाते हो, जो भी घर का कूड़ा कचरा वेस्टेज होते हैं उसको आप डाल देते हो गड्ढे में, सड़ने गलने देते हो, मटिया वगैरह डाल के, और वो उससे गैस निकालते हो, उसको जलाते हो, तो वही तो है ये अर्बन डैम्फिल्स। तो अर्बन डैम्फिल्स से भी निकलेगा, अगर वही चीज़ जो है अगर बायोगैस उससे बना लो, नहीं बनाओ उसको फेंक दो ऐसे ही, तब भी निकलेगा वहाँ से गैस, तो वहाँ से मीथेन निकलता रहता है। उसके बाद राइस फील्ड, जो आपका चावल के खेत होते हैं, आप धान लगाते हो, वहाँ से भी आपका मीथेन निकलता है, वहाँ भी मीथेन पाया जाता है। उसके बाद है आपका सबसे इम्पोर्टेंट मार्शलैंड्स, उसके बाद वेटलैंड, वेटलैंड से भी निकलता रहता है, जो वेटलैंड दलदली भूमि उससे भी निकलता रहता है। उसके बाद इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स को अगर पूरा जला दिए तब तो मीथेन नहीं बनेगा, वैसे मीथेन बनता रहेगा, पूरा जला दोगे तो CO2 बनेगा, अच्छी बात, मीथेन बन गया, बुरी बात। कैटल्स जहाँ पर पशु को पालते हो वहाँ पर भी आपको मीथेन पाया जाता है, वहाँ से मीथेन बहुत ज़्यादा निकलता है। ग्लेशियर ब्रेकडाउन ऑफ पोलर
मीथेन, इसको पूरा मीथेन कहते हैं, जो ग्लेशियर है आपका पोलो पे अगर वो ब्रेक डाउन करता है तो वहाँ से भी आपका मीथेन निकलता है। तो इतने सारे मीथेन के निकलने के रीजन है। मीथेन को जला लीजिए, अगर है मीथेन आपके पास तो वो फ्यूल है, अच्छी बात है। सी ओ टू कोई फ्यूल नहीं है, ये आपको कहाँ से बनेगा याद जानते ही हो। अगर फॉसिल फ्यूल्स आपने जलाया तो वहाँ से बनेगा आपका, फॉसिल फ्यूल्स में सारे आ जाते हैं, कोयला पेट्रोलियम जितने भी हैं सारे आ जाएंगे फॉसिल फ्यूल्स में। वो लेकिन जो है आपका ज्वालामुखी फटता है तो वहाँ से भी आपको इरप्शन में निकलते हैं आपके सीओ टू। टेक्टोनिक रिलीज यहाँ से भी आपको सीओ टू निकलता है। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लेशियर्स वहाँ पे भी निकलता है। सी एच फोर जहाँ निकल रहा है वहाँ सीओ टू भी चांसेस रहता है निकलने का। फ्रैक्चरिंग ऑफ रॉक्स एंड सेल्स इन ओशन, ये इसमें भी आपका सीओ टू निकलता है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का पत्थर से रहते हैं, चूना पत्थर से रहते हैं, वहाँ सीओ टू भी निकलेगा आपका। इम्पैक्ट जानते हैं, सबसे पहले ग्रीन हाउस गैस और ग्लोबल वार्मिंग एक ही चीज़ है। बायोस्फीयर टर्न्स अ नेट कार्बन सोर्स, तो ये है आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है इसका। इंक्रीज जो वेजिटेशन, वेजिटेशन आपका ज़्यादा होगा, आपका जो जो फसल रोपे हो उसका अच्छे से होगा, सी ओ टू ही लेता है वो। उसके बाद ओशनिक एसिडिफिकेशन, अर्बन हीट आइलैंड्स, तो ये एसिडिफिकेशन तो मैंने पहले ही पढ़ा चुका हूँ आपका, वहाँ पर आपने दो गैसेज को देखा था सॉक्स नॉक्स को। सी ओ टू भी जिम्मेदार है आपका एसिडिफिकेशन के लिए, उसको कार्बोलिक अम्ल जो मैं जानता है कार्बोसिलिक अम्ल शायद होता है उसको हम लोग जानते हैं, तो उससे क्या होता है वो भी जाके बनता है H2CO3, तो वो कार्बोक्सिलिक अम्ल बहुत ही वीक होता है पर उससे भी आपका एसिडिक रेन होता है CO2 से। सो CO2 ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो भी जाएगा, वो भी कांड करेगा, वो भी एसिडिक रेन कहलाएगा, तो उससे भी दिक्कत आती है। उसके बाद ओसोनिक एसिडिफिकेशन को देखते हैं, ओसोन में एसिडिफिकेशन कैसे होता है, क्योंकि वहाँ तो आप लोग फॉसिल फ्यूल जला नहीं रहे हो तो कहाँ से वहाँ से आ गया CO2 वगैरह। तो ओशन एंड सेलिन वाटर बॉडीज हैज पीएच रेंज विच इज स्लाइटली एल्कलाइन, वहाँ एल्कलाइन है, वहाँ पे एसिडिक नहीं है। जो भी ओशन का होता है ओसिडिक का पीएच बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब एक लेवल से ज़्यादा होता है, सात से ज़्यादा होता है, यानी कि एल्कलाइन नेचर होता है। विद द इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ सी ओ टू इन एटमोसफेयर, जब सी ओ टू का एटमोसफेयर में बढ़ जाता है तो डिजॉल्व ऑफ सी ओ टू इन ओशन एट द पोलर एंड सब पोलर रीजन, तो जब पोलर रीजन वहाँ पर सब पोलर रीजन वहाँ पर सी ओ टू क्या होता है ओशन में मिलने लगता है अपने आप क्या क्या डिजॉल्व होने लगेगा सी ओ टू। सी ओ टू डिजॉल्व नहीं होता तो भाई वाटर देखो, पर पानी है यहाँ पे ओशन है, थोड़ा सा लाइट भी आ रहा है, सब कुछ स्थिति है, वेपर्स भी हल्का फुल्का ऊपर उसके ऊपर रहेगा। धरती पर जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पर उतना लेवल नहीं है, लेकिन समुद्र में तो खैर वही है, पानी है उसके ऊपर, पानी का भाप है, वेपर्स हैं, भाप वो भी भाप जो बन के गया है। उसके बाद जो उसका वेपराइजेशन के ज़्यादा तो हमको उसका ई वेपराइजेशन होता है, जो वेपर है वो, और वहाँ पर सी ओ टू अगर एटमोसफेयर में है तो वो धीरे धीरे मिलके रिएक्शन करेंगे और बनाएगा वहाँ पे एसिड कार्बोक्सिलिक अम्ल, और वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा सी ओ टू ओशन और पोलर रीजन, तो वो डिजॉल्व हो जाएगा उसमें और इंक्रीज दिस डिक्रीज द पी एच ऑफ ओशन, तो इससे क्या होगा एसिडिक हो गया तो पी एच ओशन का घट जाएगा, जिससे हम कहते हैं ओशनिक एसिडिफिकेशन, यानी कि यहाँ पे कोई एसिडिक रेन नहीं पड़ रहा है, रेन पड़ने के कारण नहीं हो रहा है, डायरेक्ट सी ओ टू जाके डिजॉल्व हो जा रहा है उसमें, जो आपका ओशन का पानी है उसमें जाके डायरेक्ट आपका डिजॉल्व हो जा रहा है सी ओ टू, तो ये आपका दिक्कत कर रहा है डायरेक्ट डिजॉल्व हो जाने का, डायरेक्ट आपका एसिड बन जा रहा है, सारा पानी ही एसिड बन जा रहा है। इन 2015 में हम देखा गया, इट इज रिपोर्टेड दैट द पीएच ऑफ ओशन ऑन अर्थ हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम द 8.25 टू 8.14, तो देखा गया 8.25 से घटके 8.14 हो गया है, ज़्यादा कमा नहीं पर कम होता है इन द लास्ट 19 ईयर्स, तो 19 सालों में ये असर है कि और घट गया है और घटता ही जाएगा। तो इम्पैक्ट ऑफ ओशनिक एसिडिफिकेशन, इससे असर क्या है, दिक्कत क्या है, दिक्कत है आपका कि डिकोलराइजेशन एंड डेथ ऑफ कोरल्स, तो कोरल नहीं देखे हो ना गूगल पर सर्च, सॉरी यूट्यूब पर सर्च करना, बहुत ही ब्यूटीफुल कोरल्स दिखेंगे, रंगीन रंगीन कोरल्स होते हैं, जब तक तो जिंदा होते हैं मर जाते हैं बेचारे खत्म हो जाते हैं कलर, तो इसका क्या हो जाता है डिकोलराइजेशन, डिकोलराइजेशन मतलब गया वो काम से, इसी कहते हैं कोरल ब्लीचिंग, वो मरता नहीं है, सुसुप्ता अवस्था में चला जाता है, फिर बढ़िया कंडीशन आएगा फिर से जिंदा हो जाएगा वो कोरल। तो कोरल बहुत अच्छा चीज़ है, वो चलता रहता है मछली की तरह। मास स्केल एक्सटिंक्शन एंड डेथ
स्केल एक्सटिंक्शन एंड डेथ ऑफ कोरल ड्यू टू द ब्लीचिंग ऑफ कॉरल एज इकोलोकेशन, ये आता है दिक्कत है। उसके बाद हैबिटेबिलिटी ऑफ द फिश एंड द मरीन लाइफ इज अफेक्टेड एडवर्सली, तो जितना भी समुद्री जीव जंतु है, समुद्री इकोसिस्टम है, उसके हैबिटेट है, फिश वगैरह का डिस्टर्ब होता है, दिक्कत आती है, लोग मरते हैं, वो अपना परेशानी फील करते हैं, आप लोग अपनी परेशानी बताने लगते हो कि हमको ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, बेचारा वो लोग आप बताएगा उसको दिक्कत हो रहा है फिर भी जी रहा है। उसके बाद ब्रेक डाउन ऑफ सेल्स, इससे सेल्स भी ब्रेक डाउन होने लगता है एसिड के कारण। रॉक विच रिलीज मोर सी ओ टू इन वाटर, और इससे और ज़्यादा सी ओ टू निकलता है, इफेक्ट भी है और इसी से और ज़्यादा पॉल्यूशन भी होता है। हीट कैप्चर ऑफ द वाटर इज इंक्रीज, अब क्या करेगा हीट एटमोसफेयर का ज़्यादा ये सूखेगा, हेंस टेम्परेचर ऑफ वाटर बॉडीज इज इंक्रीज, इससे क्या हो जाएगा जो वाटर बॉडीज है इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, दिक्कत पैदा करेगा जो उसमें रहते हैं उनको। तो चलिए इस लेसन में इतना ही था, इसके आगे के लेसन में हम लोग अर्बन हिट आइलैंड से देखेंगे, सीओ देखेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को देखेंगे, तो इतने सारे चीज़ें हैं। उसके बाद हम आगे के पॉल्यूशन को देखेंगे, बिना कन्वेंशन भी देखेंगे, बहुत सारे कन्वेंशन हुए साइन हुए रोकने के लिए पॉल्यूशन, उन सब चीज़ों को भी देखना है हम लोगों को। आगे के लेसन है बहुत बड़ा ऑब्वियसली ये पेपर होगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा सिलेबस भी है इसका, मैं बहुत शॉर्ट भी कर रहा हूँ फिर भी बहुत ज़्यादा इसका नोट्स बन के तैयार हो गया है, तो उसको हम लोग देखेंगे, हर किसी को देखना पड़ता है, कितना शॉर्ट बताने के बाद इतना चीज़ें पर हो जाती है कि आपको देखने का समय नहीं मिलता है। और पेशेंस लेके आप वीडियोज़ को देखिए समय इंटरवल बना के, कुछ लोग देखते हैं कुछ लोग एक वीडियो देखा तो गायब हो गया, ऐसा नहीं चलेगा। आपको कोर्स लेना है तो पूरा लीजिए, अपने आप को कोर्स में इन्वॉल्व कीजिए, टाइमिंग फिक्स कीजिए, जैसे आप पढ़ते हैं कि हमको ये पढ़ना है तो ये आप डेली के डेली देखिए वीडियो, डेली के डेली रूटीन बना के आप देखिए और रूटीन बना के चलिए, तैयारी आपका हो जाएगा जनरल स्टडी का। ये मैं जो भी मेरा जो भी कोर्स है चाहे यूट्यूब पे पब्लिश्ड है या फिर यहाँ यूट्यूब पे, मैं बता देता हूँ AZAD मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेरा चैनल का नाम है, वहाँ पर जाइए आप सर्च कीजिए यूट्यूब पर तब मिल जाएगा। और मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बहुत सारे कोर्सेज बना रखे हैं कंप्लीट कोर्सेज बना रखे हैं, ये सीखा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्रैश पर बना रखा, जनरल कई पेपर्स वहाँ पे पहले ही हैं, तो उसको डिटेल में पढ़िए एक एक करके देखिए। और ये जो भी मैं बनाता हूँ सफिशियंट होता है आपका, मतलब कि थ्योरी तो सफिशियंट है, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस आप खुद से कीजिए, आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं अगर नहीं होते तो आप मुझसे पूछिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे मेल कीजिए, कोई क्वेश्चन जो नहीं हो रहा है क्योंकि उसका सोल्यूशन भी उपलब्ध है मार्केट में, तो उसको सोल्यूशन कराने का कोई मतलब नहीं है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है उसको आप सब खुद से कीजिए, टाइम बाउंडेशन में कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए उस क्वेश्चन को करके कि हमसे एक मिनट में या फिर आधा मिनट में क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सारे क्वेश्चन ये सीखे प्रीवियस ईयर के, तो हर एक क्वेश्चन को आधे मिनट में करने की कोशिश कीजिए घर पे और प्रैक्टिस करते रहिए, अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा आप थोड़ा फास्ट होते जाने चले जाइएगा। और मेरा अगर थ्योरी की बात करें तो मेरा जितना भी कोर्स है वो सफिशियंट है, जिस चीज़ का बना हुआ है उसमें वही पूछा जाएगा जितना मैं बता दिया, उससे बाहर नहीं आएगा, कोई क्वेश्चन आ गया तो बताइए, मैंने पहले ये इसी 2018 का पेपर मेरा पूरा का पूरा डिस्कस करके बैठा हुआ मैं 2018 का पेपर, उसमें सब चीज़ बता दिया है मैंने कि सारे क्वेश्चन कैसे मैंने मेरे क्रैश कोर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बनाया था, उस क्रैश कोर्स से मैंने सोल्व करके दिखाया 2018 ईएससी का पूरा पेपर उसी क्रैश कोर्स के अंदर समेट आ गया, तो जितना मैं पढ़ा देता हूँ उससे बाहर कुछ चीज़ें नहीं आती हैं, जबकि ईएससी तो भाई जानते हो कितना बदनाम है, अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन UPSC, तो ये पहले ही इतना बदनाम है कुछ भी पूछेगा वो, जो जितना आप पढ़ते जाओ उतना उससे ज़्यादा पूछने लगेगा वो, तो फिर भी मैं आपको 50% मार्क्स लाने हैं, उतना ही मार्क्स के उतना मार्क्स आपका इतने से जितना मैं पढ़ा दिया हूँ उतने से आ जाएगा, आप इधर उधर मोहम्मत मारिए व्याकुल होइए कि एक ही चीज़ आप 10 जगह देख रहे हैं, बेसिक एनर्जी और इन्वायरमेंट यहाँ भी देखा, फिर जो किसी और टीचर का देखा, कहीं और वीडियो देखा, यूट्यूब पर सर्च किया, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ भटकने से कोई फ़ायदा नहीं है, एक टीचर को किसी को पकड़िए चाहे आप जिसको पकड़ रहे हैं, मेरा मैं अपने का गारंटी लेता हूँ कि जो भी मैंने बताया है वो सफिशियंट है, उसके अलावा वो कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जिस सब्जेक्ट में मैंने पढ़ा दिया उसके बाहर आपको कुछ आता छोड़ दीजिए उसको, एक दो क्वेश्चन आएंगे बाहर से जो जानबूझ के देता है UPSC, उसको आपको टेंशन नहीं जरूरत नहीं है, वो छोड़ने के लिए रहता है, उसको छोड़ दीजिए, बाकी आपके क्वेश्चन मैं 70% से 75% का गारंटी लेता हूँ अगर कुछ बाहर से नहीं आएगा, 70% से 75% में आप करके आओगे तो ऑब्वियसली आप 50% तक मार्क्स तो ले ही आओगे, 50-60% तक
तो इतना ही मैं करो, चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, इस लेसन में इतना ही, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, भाई दोस्तों को भी बताइए, रिकमेंड कीजिए, रेटिंग दीजिए, रिव्यू दीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू वेरी मच।